हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वाधवा और स्टार्ट करेंगे हमारे आज के सेशन को। आज का सेशन जिसमें हम करने वाले हैं सारी की सारी एग्रीकल्चर स्कीम को कवर। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चेंज कर दिया है, हम सारी ही एग्रीकल्चर स्कीम कवर करने वाले थे, बट रात मुझे एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां से कुछ लोगों ने बोला कि सर जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 वो तो कवर ही नहीं किया अभी तक आपने, जबकि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो था वो कल 12:30 बजे के आसपास ही रिलीज हुआ था, तो मैंने इसमें चेंज कर दिया। वैसे मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुआ तो पढ़ भी सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा दूंगा, बच्चे खुद पढ़ सकते थे, ऐसा क्यों सोच रहा था मैं, क्योंकि वो कहते हैं ना सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है ना, तो ऐसा होता है। बाकी गाइडेंस के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल है, तो जहां जहां रिक्वायरमेंट है, जहां जहां गाइडेंस आपको चाहिए, सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। स्टार्ट करेंगे हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से, जो 5 मिनट्स का टाइम लेके जाएगी। उसके बाद हमारी सारी की सारी जो एग्रीकल्चर स्कीम है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कवर करेंगे। आगे चलते हैं, शिवम जी की डिस्कशन ना करें, मैंने वो वाला काम पहले ही कर दिया है ना। ओके ठीक है, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट वाले केस में जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, कल दोपहर में ही ये रिलीज हुई थी। रिलीज किन्होंने करी है जी, मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्टर जो है उनका नाम याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव जी उसके मिनिस्टर है, जिन्होंने कल इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ISFR 2021 जो है वो 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है और ये कब से जारी की जा रही है, 1987 से इसे जारी किया जा रहा है। कैटेगरी वाइज बोलेंगे तो ये वाली बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बोली थी। क्या बोली थी कि डेंस की, जब डेंसिटी की बात करते हैं तो 70-100% जो कैनोपी डेंसिटी वाले फॉरेस्ट होते हैं वो वेरी डेंस होते हैं, 40-70 वाले मॉडरेट और 10-40 वाले ओपन फॉरेस्ट होते हैं। हाल फिलहाल एज पर द करंट रिपोर्ट ये वाला डेटा आपके सामने है। कौन सा डेटा, टोटल फॉरेस्ट कवर जो इंडिया का है ये 21.67 था, अब इंक्रीज होके 21.71 हो गया है, 2.91% हमारा ट्री कवर है, और टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री को जोड़ देंगे तो इसको याद रखिएगा 24.62% हमारा क्या हो गया है, ये टोटल हो गया है हमारा फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर 24.62। कैटेगरी वाइज फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज दोनों फॉरेस्ट लगभग लगभग बराबर आ गए हैं, मॉडरेटली डेंस भी और ओपन फॉरेस्ट भी, बिकॉज ये 9.33 है और ये 9.34% पे है, राइट। आगे चलता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस फॉरेस्ट रिपोर्ट की आपको बता देता हूं। क्या है यहां पे, बोला नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का डेटा आप लोग पहले भी जानते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ने रिकमेंड किया था कि ज्योग्राफिकल एरिया के कितने परसेंट पार्ट पे फॉरेस्ट होने चाहिए, इट शुड बी ऑन 33% पे। जम्मू कश्मीर हैज लॉस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस का मतलब जो 70-100% वाले हैं वहां पे लॉस हुआ है, कहा जम्मू कश्मीर में, वाइल द नॉर्थ ईस्ट इज टॉप इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया लॉस, ये ध्यान रखिएगा। अगर बोले वेरी डेंस फॉरेस्ट का लॉसेस कहां हुआ है तो जम्मू कश्मीर, बट ओवरऑल बोलोगे तो ये लोग वो लोग हैं जो क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहां पे क्या हो रहा है, यहां फॉरेस्ट का लॉसेस हो रहा है। उड़ीसा लॉस द मोस्ट एरिया अंडर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, इसको भी ध्यान रखना। हालांकि ओवरऑल देखेंगे तो उड़ीसा का जो फॉरेस्ट में एरिया है वो बड़ा है, लेकिन मॉडरेट की बात की जाएगी, मॉडरेट डेंस मतलब 40-70% वाली कैटेगरी में देखेंगे तो वहां पे उड़ीसा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब ये जो फॉरेस्ट हमारे चेंज हो रहे हैं, स्पेशली चेंजिंग कहां पे, आपके हिली एरिया के अंदर, बिकॉज प्लेन्स के अंदर ज्यादा चेंजिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि प्लेन में पहले से ही कम है, तो वहां तो क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट हमने देख लिया है ना। देखो रिसेंटली जब बारिश हुई थी, आई थिंक 3-4 दिन सबके यहां बारिश हुई होगी, तो ये रिजल्ट किसका, क्लाइमेट चेंज का। अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा होती है, गर्मियों और सर्दियों का पैटर्न चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और उस क्लाइमेट चेंज के अंदर ये जो डिफोरेस्टेशन है ये भी मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो बोला इट इज प्रिडिक्टेड,
दैट हिमालयन स्टेट एंड यूटीज जैसे कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, विल रिकॉर्ड द मैक्सिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनके यहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा एंड पॉसिबली एक्सपीरियंस डिक्रीज इन रेनफॉल। तो इन स्टेट के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, रेनफॉल के अंदर कमी देखी जाएगी, एक्सट्रीम रेनफॉल मे ऑल्सो इंक्रीज इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इन स्टेट के अंदर हिमालयन स्टेट के अंदर तो कम होंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर क्या होगा, रेनफॉल जो है ज्यादा होगी। कम हो रही है और ज्यादा हो रही है, दोनों ही रिजल्ट किसका है, क्लाइमेट चेंज का। इंडिया फॉरेस्ट कवर जो इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज बाय 1540 स्क्वायर किलोमीटर एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ है 721 स्क्वायर किलोमीटर से। टोटल फॉरेस्ट एरिया कंट्री का परसेंटेज के अंदर याद रख लीजिए 21.27% है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये चेंज हो गया, पिछली बार ये कर्नाटका था। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रिकॉर्डेड मैक्सिमम फॉरेस्ट इंक्रीज, सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट इंक्रीज हुए हैं वो कहां पे हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। सबसे ज्यादा कहां पे बढ़े हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पे क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर रिकॉर्डेड मैक्सिमम लॉसेस इन ओवरऑल फॉरेस्ट। इन दो स्टेट के अंदर तो सबसे ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन घटे की बात करूंगा तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के अंदर कम हुए हैं। इंडिया रिपोर्टेड इंक्रीज ऑफ जस्ट 501 स्क्वायर किलोमीटर, द वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी लास्ट 2 ईयर्स। लॉस हुआ है 1582 स्क्वायर किलोमीटर का, कहां पे, मॉडरेट डेंस के अंदर। और ओपन फॉरेस्ट है रिपोर्टेड एन इंक्रीज ऑफ 2612 स्क्वायर किलोमीटर। डेटा याद नहीं करना आपको, पेपर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, पेपर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी कैटेगरी में डिक्रीज हुआ है, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे क्या बोला, इस कैटेगरी के अंदर इंक्रीज हुआ है। ओपन फॉरेस्ट की बात करेंगे, इस कैटेगरी के अंदर इंक्रीज हुआ है, लेकिन जब बात करते हैं किसकी, लॉस की, तो देखो यहां पे लॉस हुआ है कौन सी कैटेगरी में, मॉडरेट डेंस के अंदर, वो कौन से होते हैं, 40-70% वाले के अंदर लॉस हुआ है ना। फिर बोला टोटल मैंग्रोव कवर इन द कंट्री इज 4992 स्क्वायर किलोमीटर व्हिच हैज सीन एन इंक्रीज ऑफ 17 किलोमीटर्स। एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट सेम नाम तीनों है, मध्य प्रदेश के पास सेकंड हाईएस्ट, अरुणाचल के पास और थर्ड छत्तीसगढ़ के पास। परसेंटेज वाइज बोलूंगा तो थोड़ा सा चेंज आया है, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मिजोरम के पास है, उसके बाद अरुणाचल और थर्ड कौन आ गया आपका, मेघालय। लीजिए सर, दैट्स इट, आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो कवर हो गई। अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन पार्ट को, हमारी सारी की सारी स्कीम्स को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दो कमेंट सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा। एक है कमेंट रोहित बैंकर साहब का, जिन्होंने लिखा है रिजल्ट का वेट है आज तो, और दूसरा कमेंट पढ़ना चाहूंगा मिजनूर आलम का, सॉरी मैं अगर आपकी नेम की स्पेलिंग, मिजा नूर आपका नेम है, इन्होंने लिखा है एग्जाम इज पोस्टपोन्ड। तो एक भाई साहब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और दूसरे भाई और बहन जो है वो एग्जाम को पोस्टपोन करवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो रिजल्ट का वेट हो रहा है, एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, ये सब भटकाने वाले विकल्प है। भटकाने की तरफ नहीं, मंजिल पे जाने की बात कीजिए। रिजल्ट लेट आएगा तब भी आप सेलेक्ट होगे, पहले आया तब भी सेलेक्ट होना है। और पेपर पोस्टपोन हुआ है ना, कैंसिल थोड़ी हुआ है, तो पोस्टपोन भी बहुत तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो भटकाने वाले विकल्पों की तरफ मत जाइए, मंजिल पे ले जाने वाले जो विकल्प है ना उनकी तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अब आप दोबारा ये चीज तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मंजिल अगर आपकी बड़ी है ना तो फिर ये सब मत बोलिए यार कि पेपर कब होगा, एग्जाम कब आएगा, पोस्टपोन होगा, कोरोना है, ये इस बात से क्या फर्क पड़ता है, आपको तैयारी करनी है। प्लीज मेक श्योर तैयारी कीजिए, है ना। सपनों से तैयारियां नहीं होती हैं, स्ट्रगल से तैयारियां होती है, और वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रगल करने में उनको दिक्कत आ रही है जिनका दिमाग पोस्टपोन वाली बातें कर रहा है। पोस्टपोन हो भी तो क्या फर्क पड़ता है ना, अपनी स्ट्रगल बड़ी कीजिए, बिकॉज मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें तो उनको मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो जिद पर अड़े हो तो फिर पोस्टपोन कोई चक्कर नहीं है। स्टार्ट करते हैं हमारी स्कीम्स को। स्कीम में सबसे पहले हमारी जो स्कीम है, सबसे फर्स्ट स्कीम कौन सी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान के नाम से आप सब लोगों ने स्कीम को सुना होगा, काफी चर्चा है इस स्कीम की। गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम भी है ये, मतलब मेजर स्कीम्स के अंदर आती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करूंगा तो स्टार्ट होती है ये कब, 1 फरवरी 2019 को, नेम लीजिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि।
अनाउंस इसे दिसंबर 2018 के अंदर ही कर दिया गया था। इसकी जो लॉन्चिंग है ये कहां पे हुई थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। इसको लाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ फार्मर। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ावा देना। तो अगर किसानों को 6,000 रुपए एक साल के अंदर दिए जा रहे हैं तो बढ़ावा चाहे कम हुआ हो या ज्यादा, लेकिन उनकी इनकम के अंदर बढ़ावा तो हो ही रहा है ना। सो टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, उस पर्पज के लिए हम लेके आए थे किसको, पीएम किसान को। कवर कौन करता है, कवर कौन होते हैं यहाँ पे, स्कीम के अंडर में कवर होते हैं ऑल फार्मर, सारे के सारे। बट कंडीशन क्या है, उनके पास ओनरशिप होनी चाहिए किसकी, लैंड की, है ना, लैंड की ओनरशिप होनी चाहिए। बाकी सारा का सारा क्लियर है, कोई चक्कर नहीं। फिर बोला कवर किसको नहीं करते हैं, लैंडलेस लेबर, मतलब खेत में काम तो करते हैं लेकिन उनके पास क्या नहीं है, उनके पास खुद की जमीन नहीं है। पीएम किसान की बात करते हैं तो जैसा कि नाम के अंदर ही पीएम लगा हुआ है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि स्कीम जो है ये क्या है, ये स्टेट की नहीं है, क्योंकि ये स्कीम किसकी है, इट पीएम किसान इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोग जानते हैं, आप आगे भी समझेंगे जब पढ़ाऊंगा, तो बहुत बार स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर कंफ्लिक्ट होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे सब्सिडी का जो अमाउंट होता है ना वो स्टेट को और सेंटर को शेयर करना होता है और स्टेट मना करता है, बोला मैं नहीं दूंगा, तो स्कीम बंद कर दी जाती है। लेकिन यहां पे 100% जो फंडिंग है वो कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है। इसीलिए इंडिया के लगभग सारे स्टेट में चल रही है। लगभग सारे क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये पहले वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं चल रही थी, जब से सब इंडिया में चालू हुई है तब से वेस्ट बंगाल में नहीं थी। वेस्ट बंगाल में ना होने का रीजन आपको पता है, मोदी जी का और ममता बहन का जो प्यार है वो काफी ज्यादा है, तो इसीलिए वेस्ट बंगाल के अंदर वो चल नहीं रही थी। लेकिन वहां भी अब स्टार्ट हो गई है, उन किसानों को बेनिफिट मिल रहे हैं। सो बोला अंडर द प्रोग्राम वल्नरेबल लैंड होल्डिंग फार्म फैमिलीज विद कल्टीवेटेड लैंड वुड बी प्रोवाइडेड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट एट द रेट ऑफ 6,000 रुपीज पर ईयर। एक साल के अंदर दिया क्या जाएगा, उनको 6,000 रुपए दिए जाएंगे। दिस स्कीम इज बींग इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2018। हाँ, जब अनाउंस किया तभी से इसे फटाफट से शुरू कर दिया गया था। दिस इनकम सपोर्ट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट। ये बात भी पक्की आपको पता होना चाहिए, पता है ऑलरेडी आपको ये वाली बात कि बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर होता है, कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट यहां पे नहीं है। इनटू बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 2000 ईच, है ना, 2000 एक बंदे को एक इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलता है, और टोटल एक साल के अंदर इंस्टॉलमेंट कितनी मिलती है, 3 मिल जाती है, तो 2000 × 3 मतलब टोटल कितने मिल जाते हैं, 6,000 रुपए। लैंडलेस लेबर आर नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द पीएम किसान, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लैंडलेस लेबर को कवर नहीं किया जाता, ओनली वो लोग जिनके पास खुद की जमीन है उसे कवर किया जाता है। 10th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान, 10वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज हो गई। वेस्ट बंगाल फार्मर्स गॉट पीएम किसान्स बेनिफिट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, सॉर्ट आउट हो गया, उनको भी फायदा मिल गया। रिसेंटली द गवर्नमेंट रिलीज मोर देन 20,000 करोड़ एज द 10th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान। ये नया साल आते ही लॉन्च कर दिया गया था, इसे दे दिया गया था। तो ये तो बात थी पीएम किसान की, पीएम किसान क्या करती है, कैसे करती है, कौन कौन कवर नहीं होते, सीधी सी बात ना यार, जो आपके फार्मर है जिनके पास लैंड होल्डिंग है। जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तब ये कहा गया था कि स्कीम में बेनिफिट उनको दिया जाएगा किनको, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। लेकिन बाद में वो क्राइटेरिया हटा दिया गया, बोला जमीन जितनी भी हो लेकिन अपने नाम पे जमीन है तो आपको इसके बेनिफिट दिए जाएंगे। सो इसके अंदर बेनिफिट किसको नहीं मिल सकते हैं, इंक्लूजन का मतलब तो जिसको मिलेगा, एक्सक्लूजन का मतलब जिसको निकाला गया स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो कौन है, आपके ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर, है ना, संस्थागत जमीन जिनके पास है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फार्मर फैमिली इन विच वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर बिलोंग्स टू फॉलोइंग कैटेगरी, फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, किसी भी प्रशासनिक पोस्ट के ऊपर वो है उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। All serving or retired officer employees of central state government, जो government job के अंदर उसको benefit नहीं मिलेगा। And सारे person वो जिन्होंने पिछले साल पिछले assessment year के अंदर income tax दिया था उसको भी इसका benefit
नहीं मिलेगा। उसके अलावा जितने भी फार्मर्स हैं, टेनेंट फार्मर्स और लैंडलेस लेबर, ये भी इनको भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास जमीन नहीं है खुद की। माइक्रो लैंड होल्डिंग विच आर नॉट कल्टीवेबल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट अंडर द स्कीम। जो छोटी लैंड होल्डिंग है उनको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा जिनके यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती है। एग्रीकल्चर लैंड बीइंग यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के है तो एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उसे भी इस स्कीम के अंडर में कवर नहीं किया जाएगा। राइट, स्कीम यहाँ पे हमारी ओवर हो गई। कौन सी? पीएम किसान। पीएम किसान बोले तो याद रखिएगा, बिकॉज फुल फॉर्म आ सकती है, डायरेक्टली पीएम किसान ना भी लिखा हो तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, है ना, पीएम किसान इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलता हूं। क्या करूं, सिस्टम ऐसा है ना, होता है यार, पढ़ाते पढ़ाते जो नजरें हैं वो आपके कमेंट्स पे जाती रहती हैं, और ये यूट्यूब है, यहां पे लोग कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं मानेंगे, है ना। यहाँ पे देखो चल रहा है डिस्कशन, टेस्ट रिजल्ट वाला, है ना। काइंड रिक्वेस्ट डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। हाँ एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि रिजल्ट के बिना पढ़ाई करके देखो, रिस्क तो जिंदगी में ले ही लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। रिस्क लिया तो जीत जाओगे, ना लिया हार गए तो सीख जाओगे, है ना। तो रिस्क लेना चाहिए भाई साहब, रिस्क लीजिए, पढ़ाई कीजिए, या तो जीतेंगे और जीते ना तो सीखेंगे, हारते तो नहीं है ना, तो रिस्क लीजिए, इतनी टेंशन मत लीजिए, और रिजल्ट का डिस्कशन यहां मत कीजिए। और एक छोटे मेरे भाई साहब अमित यादव जी, भैया कितनी बार की कमेंट को लिखेंगे, एएफओ की हिंदी बुक कब आएंगी? मैं नहीं दूंगा हिंदी बुक, मेरे साथ यही दिक्कत है, मैंने हिंदी में कन्वर्ट करवा के पब्लिशिंग छोड़ दिया एक बार के लिए, बिकॉज पेपर आने वाला है मेंस का, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी वालों का रिस्पॉन्स खतरनाक आता है, पूरा टाइम मैसेज ये वो आते हैं, तो हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं हिंदी की बुक 31 मार्च तक, उसके बाद करेंगे, उससे पहले कमेंट मत लिखिएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा हिंदी वालों की साइड से रिस्पॉन्स ऐसा। अब दोबारा आप देखिए, खुद ही आपने इस वीडियो के अंदर, इस लाइव क्लास के अंदर 50 बार तो मैसेज लिख दिया, थोड़ा दिक्कत होती है यार। तो हिंदी तब करेंगे जब हमारे पास फ्री टाइम हो गया, आ जाओ भाई, अब हम बैठे और करो कॉल। तो अभी के लिए 31 मार्च तक पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, अब शांत रहिएगा प्लीज कमेंट्स के अंदर, रिजल्ट नहीं पढ़ाई पे फोकस करते हैं। सो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, है ना, अगली पे चलते हैं आपका, वो तो पीएम किसान था, किसान सम्मान निधि, अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अब इंश्योरेंस और पेंशन वाले सेक्टर के अंदर मूव करते हैं। सो यहां पे स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान मानधन योजना। आप बोलेंगे सर इसका इतना नाम नहीं सुना, पीएम किसान तो सुना था, क्यों? क्योंकि पीएम किसान के अंदर पैसे मिल रहे थे तो हर कोई लेने के लिए आगे, लेकिन ये काइंड ऑफ क्या है, ये आपकी वैसी स्कीम नहीं है जैसी वो वाली है, ये तो पेंशन स्कीम है, और पेंशन लेने के लिए यहां पे पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देते टाइम उतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा ना। तो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे बोला गया ये जो स्कीम है आपकी, ये क्या है, ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। सो इट्स एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर ऑल लैंड होल्डिंग। कौन सी लैंड होल्डिंग? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जितने भी आपके एसएमएफ है, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल है, मतलब कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं, उनके लिए ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन सी? सबसे पहले तो ये जो स्कीम है कोई जबरदस्ती नहीं है, कि लेना चाहो तो ले लो, वरना मतलब वॉलंटरी बेसिस पे है। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जी, आपकी एज क्या होनी चाहिए स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए? 18 से 40 साल। पहली क्राइटेरिया तो ये है कि आप किसान होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, उम्र जो है 18 से 40 साल होनी चाहिए। आप सोचेंगे सर कि अगर 45 साल है वो बंदा फायदा क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि पेंशन स्कीम है, पहले पैसा देना पड़ रहा है, 60 साल के बाद तो पेंशन आना शुरू हो जाएगी। तो जो 45 और 50 साल का है तो वो तो 10 साल के लिए पैसा देगा, तो उतना फिर पैसा जमा ही नहीं होगा कि उसको पेंशन दी जाए, तो इसीलिए 40 से ऊपर वाले एलिजिबल नहीं है, 18 से 40 तक के है। द स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम 9th अगस्त 2019, है ना, अगस्त 2019 से स्कीम को चलाया जा रहा है। द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रोवाइड फॉर एन अश्योर्ड मंथली पेंशन, ये ध्यान रखिएगा, पहली बात किसान हो, दूसरी बात स्मॉल एंड मार्जिनल हो, तीसरी बात 18 से 40 साल का हो, तीसरी बात है ना कि एक महीने की जो पेंशन मिलेगी, एक महीने के अंदर वो कितनी मिलेगी? 3000 रुपए। 3000 का मतलब कितना हो गया?
साल के 36,000 हो गए, अच्छा खासा पैसा है ये, लेकिन ये 3,000 लेने के लिए करना क्या पड़ेगा? बोला टू ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वेदर मेल और फीमेल कोई चक्कर नहीं है, ऑन देयर अटेनिंग एज ऑफ 60 इयर्स, लेकिन ये पेंशन जो पर मंथ मिलेगी ना, ये कब से मिलना स्टार्ट होगी? जब वो 60 साल के हो जाएंगे, राइट? आगे बोला गया द अमाउंट ऑफ द मंथली कंट्रीब्यूशन शेल रेंजेस बिटवीन रुपीज 55 to 200 पर मंथ, है ना? आपको एक महीने के अंदर पैसा मिलेगा 3,000 रुपए 60 साल की एज के बाद, लेकिन आपको देना कितना है? 55 से 200 रुपए देने एक महीने के। सर ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो कम एज वाला होगा उसको ज्यादा टाइम तक के लिए देना पड़ेगा तो वो कम पैसा देगा, और जो ज्यादा एज वाला है उसको कम समय के लिए देना पड़ेगा तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो 55 to 200 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द एज एंट्री ऑफ द फार्मर इन टू द स्कीम। तो याद ये भी कर लिया आपने कि 60 साल के बाद मिलेगा 3,000 पर मंथ मिलेगा, और अभी देना पड़ेगा 55 से 200 रुपीज पर मंथ। उसके साथ साथ LIC का नाम भी याद कर लीजिएगा, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शेल बी द पेंशन फंड मैनेजर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट। तो जो ये पेंशन का पे आउट होगा, मतलब 60 साल के बाद तुम्हें किसी से मिलना पड़ेगा, तो वो होगा LIC। सुना हुआ आपने, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना? तो LIC आपको ये सब काम करके देगा। आगे चलेंगे, स्कीम हमारी पूरी हो गई, कौन सी? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, दो स्कीम हमने कवर कर ली है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्कीम की बात करेंगे। नेक्स्ट भी कुछ वैसी वैसी ही स्कीम है, पेंशन जैसी ही है, बट हाँ ये किसानों के लिए नहीं, थोड़ी सी अलग है। बोला प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, है ना? यहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी आ गए हैं और योगी जी भी आए हैं, खैर योगी जी नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। यहाँ पे बोला श्रम योगी मानधन, तो नेम थोड़ा सा याद रखिएगा, नेम अलग अलग है। वो आपका क्या था? वो पीएम किसान स्कीम था, ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना था, और ये श्रम योगी मानधन है। कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ कर दे, तो श्रम योगी मानधन है। श्रम, श्रम वर्ड जब जुड़ गया तो श्रम वर्ड मेरे हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा किसके साथ? श्रमिकों के साथ, है ना? जो लेबर है, लेबर क्लास के साथ, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, है ना? सो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन भी वैसे ही स्कीम है, लेकिन किसानों के लिए नहीं है। किसके लिए बनी है? ये लेबर के लिए बनी है, है ना? तो क्या बोला गया यहाँ पे? बोला गया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन इज लॉन्च फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो गया? किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, सैलरी ले रहा है, वो तो ऑर्गेनाइज है, लेकिन लेबर का पता नहीं है, पैसा उसे आज शाम को मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे मजदूरी मिलेगी नहीं, काम करने को मिलेगा कि नहीं। तो दे आर द पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज वर्कर विद मंथली इनकम अप टू 15,000 रुपीज, 15,000 या उससे कम की इनकम है और वो लेबर है, उसके लिए स्कीम बनी है। दिस पेंशन योजना वुड गिव देम अशोर्ड मंथली पेंशन, सेम कॉन्सेप्ट है, 3,000 रुपए 60 साल के बाद मिलेंगे, और अ मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल अफोर्डेबल प्रीमियम ड्यूरिंग द वर्किंग एज। महीने के देते जाओ, 60 साल के बाद पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। इट वॉज अनाउंस्ड इन द इंटरिम बजट। इंटरिम का मतलब क्या होता है? वो जब सरकार चेंज वेंज होने वाली होती है, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। सो इट वॉज अनाउंस्ड इन द इंटरिम बजट, जो फाइनल बजट होता है ना साल का। So it was announced in the interim budget of 2019 will be implemented from February 15, 2019. February 15, 2019 से implement हो गया by the Ministry of Labour and Employment through Life Insurance Corporation of India. LIC ही यहाँ पे है, लेकिन ministry यहाँ पे कौन सी है? Labour and Employment Ministry जो है यहाँ पे, वो इससे deal करने वाली है। This scheme seeks to benefit around 42 करोड़ worker from the unorganized sector of the country. सर डेटा बहुत बड़ा है, अगर ध्यान से देखेंगे ना, 42 करोड़ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रिपेयर कर रहा हूं लोगों को, सिर्फ मेंस एग्जाम के लिए नहीं, इंटरव्यू के लिए भी, जहां पे पीएम किसान स्कीम जो है वो क्लेम करती है कि 10 से 12 करोड़ बेनिफिशियरी होंगे, क्योंकि सरकार को पैसा देना पड़ रहा है। तो 10 से 12 करोड़ ही फार्मर दिखाए गए पीएम किसान के अंदर, बट इस स्कीम के अंदर देखो कितना बड़ा बेस आ गया है ना, 42 करोड़ सीधे सीधे लेबर आ गया है ना। बोला पैसा दो और बाद में इंश्योरेंस या फिर आपकी जो पेंशन है वो आपको मिलेगी मिलेगी। तो बड़ी पॉपुलेशन यहां पे बेनिफिटेड हो रही है, लेकिन उतना नाम क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला चक्कर है इसके अंदर। बोला टू अवेल द स्कीम वर्कर विल हैव टू कंट्रीब्यूट 55 to 200 पर मंथ
है ना, जब तक क्या है वो वर्किंग स्टेज के अंदर है, और ये वाला क्राइटेरिया फिर से सेम है, 18 से 40 साल तक के वर्कर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस कुछ अलग हुआ है तो वो ये कि ये लेबर के लिए है, और वो किसके लिए थी, वो फार्मर्स के लिए थी। तीन स्कीम हमारी कवर होगी, आगे चलेंगे जी पीएम आशा पे, है ना। पीएम आशा कौन है जी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, है ना। प्रधानमंत्री आप जानते हैं कौन है, देश के अन्नदाता हमारा किसान है, सारे लोग जानते हैं। आय का मतलब क्या हो गया, उसी फार्मर की, अन्नदाता की इनकम की बात चल रही है। संरक्षण अभियान, संरक्षण का मतलब क्या होता है, उसको सुरक्षा देना। सुरक्षा सर, सुरक्षा किस बात की देनी है, सुरक्षा क्यों, उनकी इनकम सिक्योर नहीं है, है ना। एमएसपी की बातें तो की जाती है लेकिन उनको मिलता नहीं है। मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, है ना, फिर मत कहना कि मैंने ऐसे कह दिया। क्यों, अभी शुरू में एक बंदा कह रहा था क्लास स्टार्ट नहीं थी, वो कर रहा था बीजेपी जिंदाबाद। तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरे चैनल पे आके ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं कौन सा पॉलिटिकल चैनल को प्रमोट करता हूं, है ना। तो मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं सर, गवर्नमेंट ने खुद बोला कि किसानों का जो एमएसपी है वो एंश्योर्ड नहीं है, सिक्योर नहीं है, मिलता है कि नहीं, बोला इसी चीज को एंश्योर करने के लिए हम जो स्कीम लेके आएंगे वो कौन सी है, दैट इज पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। देखो क्या बोला इसने, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द न्यू अम्ब्रेला स्कीम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, विच विल प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस अश्योरेंस टू द फार्मर्स। क्या देगी भाई साहब, उसी एमएसपी के लिए अश्योरेंस देगी। वैसे तो लॉजिकली देखो तो एक तरफ से गवर्नमेंट स्कीम दे रही है और दूसरी तरफ से एक और स्कीम ला रही है, है ना, जब क्या है उसको अश्योरेंस दिया जा रहा है, है ना। ऐसा होता है लाइफ में, क्या होता है मतलब कभी कभी चीजें होती नहीं है बट माइंड में आ जाती है। आपको पता है जब कोरोना आया था और कोरोना की वैक्सीन आई थी, इंडिया ने लॉन्च करी, मुझे भारतीय वैक्सीनों पर बहुत भरोसा था, लेकिन मेरा ये भरोसा उस दिन डाउट में बदला जिस दिन सुबह सुबह मैंने मेरे फ्रेंड को फोन किया और फोन उठाते ही, मतलब फोन कनेक्ट करते ही आवाज आई, भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखे। मैंने कहा तुम ऐसे क्यों बता रहे हो, है ना। वो बोली लेडीज यार फोन में से, बोली भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखे, तो तुम्हें कैसे पता हमारा भरोसा उठ गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, है ना। तब मैं डाउट में है यार कि मैं तो विश्वास कर रहा हूं, बट ये तो खुद ही कह रही है कि भारतीय वैक्सीनों पर विश्वास करें, तब दिक्कत हो गई, है ना। सेम यहां पे हुआ, एक तरफ तो एमएसपी दे दिया, फिर एमएसपी के लिए अश्योरेंस दे रहे हो, बोला हाँ हाँ देंगे देंगे, तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना, पता लगाना पड़ेगा कहां चल रहा है। फिलहाल आप पता लगा लिया कि पीएम आशा जो चलाई गई वो किसके लिए, फार्मर्स को अश्योरेंस देने के लिए ये चलाई गई है, राइट। So, बोला द स्कीम इज एम्ड एट एंश्योरिंग रेमुनरेटिव, रेमुनरेटिव मतलब जितना वो काम करे उसके बदले उनको पैसा मिलना, रेमुनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2018। कब अनाउंस हुई थी स्कीम, सितंबर 12 2018 के अंदर इसे अनाउंस किया गया था, है ना। प्राइस सपोर्ट स्कीम कोई लिख रहा है, जो पीएसएस है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए PSS जो है ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है नाफेड के थ्रू, किसके लिए, ऑयल सीड और पल्सेस के लिए। ओवरऑल सारे एमएसपी कवर नहीं करती है, ऑयल सीड और पल्सेस को नाफेड ले लेता है, किस पे, एमएसपी पे, और किस स्कीम के अंडर में लेता है, प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंडर में लेता है, प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंडर में ये लेता है। लेकिन यहां पे जो ये पीएम आशा है ये तो ओवरऑल है अश्योरेंस के लिए कि फार्मर को एमएसपी मिलेगा। ओके आगे चलते हैं। बोला कभी 31 कभी 28 कभी 24 37 41 क्या करूं, किसके लिए लिख रहे हो भाई ये 27 41, ये आलम साहब है, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, पता नहीं यार क्या लिख रहे हो, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। एक बात और बता दूं, मैं स्कीम का आपको इंपॉर्टेंट पार्ट बताता जा रहा हूं लेकिन स्कीम को डिटेल में पढ़िएगा। मैं ये वाले प्रमोशन क्लास में तो कभी नहीं करना चाहता लेकिन फिर नीचे आप देखिएगा कुछ कुछ कमेंट्स थे पिछले लेक्चर में, इसलिए मुझे फोर्सफुली करना पड़ा कि हमारी जो करंट अफेयर्स की बुक है वो 99 रुपीज की है। आप इस स्कैन कोड को, क्यूआर कोड को स्कैन करके इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट दीजिए, आपको बुक मिल जाएगी। मैं बुक बिल्कुल नहीं प्रमोट कर रहा हूं, कहीं और से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कमेंट्स में लिखेंगे इसलिए सॉल्यूशन दे रहा हूं, क्योंकि वहां पे सारी स्कीम डिटेल में हमने ऐड की हुई है। और कोई डाउट आपके माइंड में चल रहे हैं ना तो उसको बचा के रखिए थोड़ी देर के लिए, है ना। कमेंट्स में मत लिखिए, मैं देख नहीं रहा हूं, मैं रिप्लाई भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन लास्ट में देखूंगा, वैसे ही 15 मिनट के लिए आप ही लोगों को रिप्लाई करूंगा।
अभी के लिए बचा के रखिए अपने कीमती कमेंट्स को। आगे चलता हूं, नेक्स्ट स्कीम की बात करता हूं, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। सिंचाई की बात करते हैं, है ना, किसान सिंचाई योजना की बात जब करते हैं तो इसमें क्या बोला गया, ये लॉन्च हुई थी कब, जुलाई 2015 को, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इसके चार कंपोनेंट है भाई साहब, ये भी ध्यान रखिएगा, मेजरली फोर कंपोनेंट है। कौन कौन से, पहला है आपका AIBP। AIBP क्या है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। दूसरा आ गया आपका कमांड एरिया, इसी का कंपोनेंट है कमांड एरिया डेवलपमेंट, है ना, तो देखो AIBPCAD लिखा गया। फिर आ गया माइनर इरिगेशन, हर खेत को पानी। माइनर का मतलब क्या हो गया, वो माइक्रो वाला कॉन्सेप्ट। फिर मतलब हर खेत को, के छोटे छोटे एरिया को कंसीडर करेंगे, हर खेत तक हम क्या करेंगे, पानी को पहुंचाएंगे। फिर आपका आ गया वाटर शेड डेवलपमेंट। फिर आ गया माइक्रो इरिगेशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, के बूंद बूंद से ज्यादा सिंचाई की जा सके। The water use efficiency in Indian agriculture is about 30-40%. इसका भी थोड़ा सा समझदारी से निर्णय लीजिएगा। इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम की एफिशिएंसी बोली गई है 30-40%, ये स्कीम ने बोली है, क्योंकि अगर आप डेटा को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि डेटा कहता है कि ओवरऑल हमारे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो 40-45% है, लेकिन इन लोगों ने स्कीम इतनी बताई है, ठीक है। आगे बोला गया माइक्रो इरिगेशन अगर करेंगे तो वो सेव करती है वाटर कितना, 40-70% का कंजर्व एनर्जी, पानी तो बचाती है, 10-17% तक एनर्जी कम कर देती है, फर्टिलाइजर कंजप्शन 15-50% तक, और डिक्रीज करती है लेबर के कॉस्ट को 30-40% तक। क्यों करेगी, क्योंकि फर्टिलाइजर बच रहा है आपका, पानी आपका बच रहा है, एनर्जी बच रही है, तो लेबर रिक्वायरमेंट, लेबर कॉस्ट तो अपने आप बचेगा ना। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बोला एफिशिएंसी ऑफ मेजर इरिगेशन सिस्टम। इस डेटा का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वरना मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डेफिनेटली शेयर कर दूंगा रात में या कल सुबह में। सो क्या बोला गया यहाँ पे, एफिशिएंसी की बात की गई, तो बोला गया जो सरफेस इरिगेशन है उसकी एफिशिएंसी 50-60। देखो सरफेस की 50-60 है, लेकिन वो जो आपने पढ़ा ये वाला, इसी डेटा, इसी रिपोर्ट ने, इसी स्कीम ने कहा कि ओवरऑल जो है वो 30-40 है। नेक्स्ट क्या बोला गया आपका, स्प्रिंकलर 65-75, सर्ज इरिगेशन 85-90, और ड्रिप इरिगेशन तो सब लोग जानते ही है अबव 90 या फिर कितना 90-95%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला इरिगेशन कवरेज। तो देखो ये आप लोग पूछेंगे, इसलिए डेटा मैंने डाल दिया है, ऐसा डेटा याद करने वाला नहीं होता, लोएस्ट याद कीजिए, हाईएस्ट याद कीजिए, लेकिन टू द पॉइंट रहिए हमेशा, है ना, उससे आगे नहीं जाना, टू द पॉइंट रहिए बस, है ना। तो ये वाला डेटा पेपर में नहीं पूछा जाएगा, मे भी पूछा जाए, गारंटी तो नहीं दे सकता, बट इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं आते, बट ये आते हैं। नेक्स्ट बोला गया लिस्ट ऑफ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर कौन आ गया, देखो ये आपके सामने एक लिस्ट है, इसको प्लीज याद कीजिए, कहेंगे तो पढ़ दूंगा। भाखड़ा नंगल जो है वो सतलज रिवर के ऊपर है स्टेट, आप देखिएगा। ब्यास प्रोजेक्ट ब्यास रिवर पे है। इंदिरा गांधी कैनाल कहां पे, हरिका। उसके बाद कोसी प्रोजेक्ट जो है कोसी रिवर पे। फिर हीराकुंड जो है महानदी पे। फिर तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा कृष्णा रिवर पे, नागार्जुना कृष्णा रिवर पे है। चंबल प्रोजेक्ट जो है वो चंबल रिवर पे। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से स्टेट में क्या होता है ये प्रोजेक्ट कवर होते हैं। ये सारे इतने ही नहीं है, कुछ और भी प्रोजेक्ट है यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट बोला गया दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर पे है ये। नेक्स्ट गंडक, गंडक का नाम सुना क्या, इसे गंडक भी कहा जाता है, इसे नारायणी रिवर भी कहा जाता है, इसे गंडकी रिवर भी कहा जाता है, है ना। तो गंडक प्रोजेक्ट गंडक रिवर के ऊपर है, बिहार यूपी के अंदर है। फिर आपका ककरापग हो गया, ये कहां पे, ताप्ती नदी पे। फिर कोयना हो गया, कोयना कृष्णा रिवर पे। फिर आपका मलप्रभा, ये मलप्रभा रिवर पे है। और उसके बाद सो और आपका मीरक्षी एंड कौन सा आ गया, कंगसाबाती प्रोजेक्ट, है ना। तो अकॉर्डिंगली रिवर और स्टेट प्लीज याद करिएगा। सारे प्रोजेक्ट मैंने नहीं डाले हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े मेजर मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, यहां से पॉसिबल है क्वेश्चन रेज हो सकता है। आगे चलता हूं नेक्स्ट स्कीम पे। नेक्स्ट स्कीम है हमारी सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। नाम सुना है, नाम तो डेफिनेटली सुना ही होगा, सोयल हेल्थ कार्ड बहुत फेमस सी स्कीम है। सोयल हेल्थ कार्ड की बात करेंगे तो सोयल हेल्थ कार्ड जो थी वो 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी, मेरे ही होम टाउन से लॉन्च हुई थी, सूरतगढ़ राजस्थान से। सो लॉन्चिंग इसी कब होती है, 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से लॉन्च हुई। थीम की बात करेंगे इस स्कीम का, इस कंपोनेंट का जो थीम रखा गया था वो क्या रखा गया था, थीम रखा गया था स्वस्थ धरा खेत हरा। अब ये तो इतना तो हिंदी में आप समझ ही जाएंगे, है ना। स्वस्थ धरा खेत हरा का मतलब क्या हो गया,
अर्थ हमारी हेल्दी रहेगी, ग्रीन हमारे फार्म रहेंगे। सोयल हेल्थ कार्ड को 14 लैंग्वेज के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, जबकि सोयल हेल्थ कार्ड ऐप जो है उसको 10 लैंग्वेज में, और जो सोयल हेल्थ कार्ड पोर्टल है उसको 23 लैंग्वेज के अंदर प्रिपेयर किया गया है। पोर्टल याद करो ना करो भाई साहब, ये तो याद कर लेना कि सोयल हेल्थ कार्ड जो है वो कितनी लैंग्वेजेस के अंदर है, वो 14 लैंग्वेजेस के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिए, अब 14 लैंग्वेजेस है, 12 पैरामीटर को ये कवर करता है। पैरामीटर चाहे याद ना करें लेकिन ये संख्या जरूर याद कर लीजिए, 12 पैरामीटर को कवर करता है। एनपीके को सेकेंडरी के अंदर ओनली एस कवर होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कवर नहीं करता। फिर ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट कवर करता है, और फिजिकल पैरामीटर में 3 आ जाते हैं, पीएच, ईसी एंड ओसी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, तीनों का इंफॉर्मेशन आपको सोयल हेल्थ कार्ड दे देता है। सोयल सैंपल आर टेकन जनरली 2 times इन अ ईयर, साल में 2 बार सैंपलिंग करी जाती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप रिस्पेक्टिवली, और व्हेन देयर इज नो स्टैंडिंग क्रॉप इन द फील्ड। क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप जब फील्ड के अंदर होगी ना तो सही डेटा नहीं आएगा। सही डेटा क्यों नहीं आएगा सर? सही डेटा इसलिए नहीं आएगा बिकॉज उस टाइम पे वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर रही है ना, तो न्यूट्रिएंट्स को जब वो एब्जॉर्व कर रही है तो सही डेटा की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब वो एब्जॉर्व नहीं कर रही उस टाइम पे डेटा लीजिए, आपको करेक्ट मिलेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्कीम है मृदा परिरक्षक। एक्चुअली सोयल हेल्थ कार्ड तो बहुत बड़ी स्कीम है, मृदा परिरक्षक उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ मृदा परिरक्षक देखो सामने एक मशीन किट जैसा दिख रहा है। ये किट जो है इसे तैयार किसने किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस ने। लोकेशन आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर लिख के, है ना, कि जब बात करते हैं किसके, आपके मृदा परिरक्षक की, तो इसे डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस ने, जो कि लोकेटेड है कहां पे लोकेटेड है आपको पता होगा, है ना। ओके, सो मृदा परिरक्षक की बात करते हैं, तो ये कब लॉन्च होता है? लगभग सेम टाइम पे। देखो वो कब आया था, वो आपको 19 फरवरी 2015 को, ये कब आया है 18 फरवरी 2015, तो दोनों ही सेम है। मृदा परिरक्षक डिटरमाइन करता है, ये यहाँ पे एडवांस है। सोयल हेल्थ कार्ड 12 पैरामीटर पे काम करता है, जबकि मृदा परिरक्षक 15 पैरामीटर पे काम करता है। पैरामीटर चाहे तो याद करें चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि नागार्जुना एग्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, किया है किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस ने, जो कहां पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर। तो भोपाल के अंदर ये है, इसने इसको बनाया है, इससे इस तरह से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। इसको अगर आप लेना चाहें तो आप और मैं भी ले सकते हैं इस किट को, और अपने गाँव में सोयल टेस्टिंग की फैसिलिटीज भी हम दे सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्कीम हमारी आ जाती है परंपरागत कृषि विकास योजना। कृषि का विकास तो करना है, लेकिन किस तरीके का विकास करना है? परंपरागत विकास करना है, परंपराओं वाला विकास करना है। सर परंपराओं वाला कौन सा विकास की बात करना चाह रहे हो? भैया परंपराओं की बात करना चाह रहा हूं जो हमारी परंपराएं ऑर्गेनिक वाली है। 1965 से पहले जब हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, हम तब से तो केमिकल यूज नहीं करते हैं। तो जब हम केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं तब से, तो क्या होने वाला है? होगा क्या? सिंपल सी बात, क्या कि केमिकल यूज आज हम ज्यादा करने लग गए हैं, तो परंपराओं में जाओगे तो केमिकल को छोड़ना पड़ेगा। तो ये वो स्कीम है जो किसको प्रमोट करती है? इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये प्रमोट करती है। किसको? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है। तो बोला लॉन्चिंग हुई थी इसकी अप्रैल 2015 के अंदर, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री, एवरी फार्मर विल बी प्रोवाइडेड। इसको ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर फार्मर को 20,000 रुपए पर एकड़ इन 3 years, हर साल नहीं, इन 3 years, फॉर द सीड टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप टू ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूस टू द मार्केट। यहाँ पे एकड़ लिखा है, कहीं पे हेक्टेयर देखेंगे तो फिर अमाउंट कम ज्यादा हो जाएगा, घबराइएगा मत उस चीज से। आगे बोला गया 50 or more फार्मर विल फॉर्म अ क्लस्टर Having 50 acres of land, कम से कम लैंड का जो क्राइटेरिया है वो कितना है? 50 एकड़ का, टू टेक अप द ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द स्कीम। In this way, during 3 years, 10,000 cluster will be formed covering 5 lakhs acre of area under the organic farming. ये भी आप चाहें तो याद ना करें, लेकिन ये याद करिए कि अप्रैल 2015 को आई थी, इतना बेनिफिट मिलता है और इतने लैंड का क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? गुच्छा, झुंड, ग्रुप होना है ना, तो फार्मर्स को ग्रुप बनाना पड़ेगा हेल्प लेने के लिए, फायदा लेने के लिए, बेनिफिट्स लेने के लिए स्कीम के।
स्कीम की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक वाले केस में आपको सभी को पता ही है, क्या पता है, जब बात करते हैं किसकी ऑर्गेनिक की, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया जो है ये कौन सा है, दिस इज सिक्किम। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट जो है ये कौन सा है, ये आपका सिक्किम है। नेक्स्ट वो लगे एरिया वाइज अगर देखेंगे तो एरिया वाइज मध्य प्रदेश हैज फर्स्ट रैंक इन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, एमपी के बाद कौन है, राजस्थान और महाराष्ट्र है, राइट। नेक्स्ट वाला फंड की बात करते हैं, द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड विद 90:10, मतलब 90% और 10% हो गया किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और 10 हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। फंडिंग पैटर्न कहां पे, तो नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर है, और 3 हिली स्टेट के अंदर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। 100% है यूटी वाले केस में, बिकॉज यूटी का कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। नॉर्मल स्टेट वाले केस में 60:40 का फंडिंग पैटर्न है, गवर्नमेंट देगी 60 और स्टेट देगा 40, राइट। आगे चलते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं किस पे, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम पे। नेक्स्ट स्कीम हमारी आ गई है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी हमारी क्या आ गई है, स्कीम आ गई है, इसके बारे में सारे लोग जानते हैं। फोटो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, रुपए का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख नहीं रहा तो इसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कितने लोगों ने NPCI का नाम पिछले 2-3 दिनों के अंदर सुना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, न्यूज बताइए। अगर आप पढ़ने मैं ऐसा नहीं कह रहा पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि जब बच्चा तैयारी कर रहा है ना, तो अपना सब कुछ छोड़ के इस तरीके से तैयारी करे कि सिलेक्शन भी ले, क्योंकि रिजल्ट की बातें करने वाले मुझे ठीक तो नहीं लगते, वैसे आप ठीक है बट मुझे नहीं लगता, पर्सनल मेरा ऐसा है। इसलिए मुरमी को जो सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है ना, वो मुझे बता सकता है कि NPCI पिछले 3-4 दिन पहले, अरे रुक जा भाई, है ना, NPCI जो है 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में था, डिस्कशन में था, किस कारण से, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ऐसा कारण था कि NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिस्कशन में चल रहा था। जय किशन राठी जी लिखते हैं, भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, बाद में स्कीम से क्वेश्चन आएगा तब सोचेगा पढ़ लेना था। जय किशन जी प्लीज एक बार नाम लिख दो, मैं कमेंट तो नहीं पढ़ पा रहा हूं बट नाम लिख दो, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्बेंस खत्म कर देंगे, है ना। यूट्यूब बहुत सारे फीचर्स देता है एडमिन्स को, तो उन फीचर्स का भी कभी कभी यूज कर लेना चाहिए। अब नाम लिखो, मैं वो फीचर यूज कर लूंगा, है ना। ओके, फिलहाल मुझे बताओ अगर आप में से किसी को पता है तो, मैं आगे चलता हूं, डोंट वरी। NPCI डिस्कशन में क्यों था, इंपॉर्टेंट है सर, आपको पता होगा। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सोशल एक्सपेरिमेंट के नाम पे, है ना, उसका आंसर आप सब लोग कर देंगे, लेकिन ये वाला आंसर करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हैं। ऑफलाइन से पेमेंट, मास्टर कार्ड एंड रुपे कार्ड इशू, ऑफलाइन पेमेंट SBI, क्या इशू क्या था वो। चलो कुछ 4-5 कमेंट आए हैं, एक बार यस और नो लिखो, यस और नो लिखो फटाफट से। अगर आपको पता है, आपको याद होगा रिसेंटली व्हाट्सएप के सर्वर डाउन हो गए थे, थोड़ा टाइम पहले 3-4 घंटे के लिए व्हाट्सएप के सर्वर डाउन हुए थे, फोटो सेंड करना बंद हो गई थी, वहीं के वहीं रुक गया था सब कुछ, डाउनलोड भी नहीं हो रहा था, पता है कि तुम्हें। यस और नो लिखना फटाफट से, एक बार यस और नो लिख दो, फिर आपको सोशल एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं कि आपको पता होना चाहिए था NPCI वाला पार्ट भी। देखो सब लोग जानते हैं वो व्हाट्सएप के सर्वर 6 घंटे के लिए डाउन होते, लेकिन कोई नहीं जान रहा है कि लगभग 4 घंटे के लिए आपका जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, इसके सर्वर डाउन हो गए थे, और इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी थी NPCI ने, इसीलिए डिस्कशन के अंदर चल रहा था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोला कि UPI का जो सर्वर है वो रहेगा, तो पेमेंट जो कर रहे हो UPI से लिंक्ड ऐप है तो उनसे नहीं हो पाएगी, बाकी सबसे करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैंकिंग से रिलेटेड था, आपको पता होना चाहिए था, बट अब देखिए ना, व्हाट्सएप का पता होना और NPCI का ना पता होना, UPI ना पता होना, यही दिखाता है कि लाइफ में सिलेक्शन से ज्यादा हम लोग डिस्ट्रैक्शन पे फोकस्ड है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है। मैं किसान क्रेडिट कार्ड के साथ आगे चलूंगा। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, जैसा कि नाम के अंदर ही है, किनको मिलेगा सर, किसानों को। लेकिन हाँ, किसानों की रीच अब बढ़ा दी गई है। कैसे बढ़ा दी गई है, जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, पहले ये सिर्फ और सिर्फ था उन फार्मर्स के लिए जो क्रॉप ग्रो करते हैं, लेकिन अब ये उनके लिए भी है जो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर है। और ये फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री वाले फार्मर्स को फैसिलिटी कब दी गई, 2018 वाले बजट के बाद दी गई है। 2018 के बजट से पहले जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये नहीं मिलता था किनको, हमारे फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स को, है ना। ओके, आगे चलता हूं। क्या बोला गया, द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन अगस्त 1998, ये तो सारे लोग जानते हैं।
एलिजिबिलिटी क्या है जी, मिनिमम एज इसके 18 साल है और मैक्सिमम जो एज है वो कितनी है, वो 75 इयर्स है। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। जब बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी की, तो मिनिमम 18 साल का बंदा, बट मैक्सिमम जो है वो कितना, 75 इयर्स का बंदा इस स्कीम के बेनिफिट ले सकता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, 18 से 60 साल तक का है तो डायरेक्ट बेनिफिट ले सकता है, लेकिन 60 साल से ऊपर है और बैंक के पास चला गया क्या करने के लिए, बैंक के पास चला गया केसीसी लेने के लिए, तो बैंक बोलेगा कि भैया गारंटर साथ में लेके आ। तो 60 साल से ऊपर जो है उसको क्या चाहिए, उसको गारंटर चाहिए। और 60 साल से पहले अगर है तो कोई गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ अप टू 75 इयर्स तक आप इसके बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया, an incentive for the good performance, credit limit could be enhanced to take care of the increase in the cost, changes in the cropping pattern, etc. अगर आप सही तरीके से लोन को वापस करते रहेंगे तो आपकी जो KCC की लिमिट है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट बोला गया, ईच ड्रोल टू बी रीपेड विद अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, है ना, क्या हो जाएगा। अब इसने बोला कि हर ड्रोल जो है उसे रीपे कर दिया जाएगा, कितनों के अंदर, 12 महीने के अंदर रीपे कर दिया जाएगा। आगे चलता हूं, किसी ने लिखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत डिटेल में पढ़ाइएगा, बिकॉज उसमें डीप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या होता है ना, देखिए समझिए, छोटा सा आंसर इनके क्वेश्चन का करता हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला वहां से डीप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पता है क्या होता है, आप किस पेपर को देख के आ रहे हैं ना, उस पेपर के हिसाब से पेपर की डेप्थ डिसाइड होती है। अगर आप नाबार्ड का पेपर दे के आएंगे तो नाबार्ड के ऑफिसर पॉलिसी फॉर्मर होते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो उनसे स्कीम के अंदर घुस घुस के पूछा जाएगा। और जब बात करेंगे कि इसकी AFO की, तो हाँ थोड़ा डेप्थ में आ सकता है, क्योंकि ये लोग पॉलिसी मेकर नहीं होते, ये लोग तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो बनाएगा और जो इंप्लीमेंट करेगा, दोनों के पेपर के लेवल में क्वेश्चन का डिफरेंस होगा। इसीलिए यूपीएससी के एग्रीकल्चर क्वेश्चन उठाना, जिस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है वैसा AFO नहीं पूछता, बिकॉज यूपीएससी के ऑफिसर अलग होते हैं, AFO के ऑफिसर अलग होते हैं, मतलब AFO ऑफिसर अलग होते हैं। और यही तरीका होता है एग्जाम में सिलेक्शन लेने का, कि डायरेक्टली पढ़ना मत स्टार्ट कीजिए, पहले पेपर के पैटर्न को समझिए और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तीर रोशनी में लगाया जाता है, अंधेरे में तीर अक्सर नहीं लगा करते हैं। बाकी डोंट वरी, मैं पीएम अभी भाई डिटेल में पढ़ा दूंगा। फिलहाल आगे चलता हूं, हम बात कर रहे हैं केसीसी के, जो 1998 के अंदर 18 से 75 साल वालों के लिए लॉन्च हुआ है, जिसमें आपने पैसा निकाला तो बाय डिफॉल्ट आपको 12 महीने में देना पड़ेगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाए तो उसकी लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। आगे चलता हूं, है ना, प्रियंका ने लिखा BMA आया था ना, प्रियंका मैं BMA BOM में आया था, बिल्कुल ठीक बोल रही है, लेकिन मैंने डेप्थ बोला। अब आप ऐसे ऐसे मत लिखिए, क्योंकि मैं इन चक्रों में चला जाऊंगा तो फिर ये नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैम और सर जितने भी लोग हैं, एक बार नाबार्ड के क्वेश्चन और बाकी एग्जाम के क्वेश्चनों को कंपेयर कीजिए, खुद समझ जाएंगे डेप्थ नाम की चीज क्या होती है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बोला गया सिक्योरिटी मार्जिन और रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कि लोन लेने आएगा तो डॉक्यूमेंट कितने लाख से कम पे लेने, कितने पे नहीं। मार्जिन मतलब कितना उसके अंदर मार्जिन छोड़ा जाए, कैसे, मतलब लोन वो 20 लाख का देने आया, आपने मार्जिन रख लिया, या फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ये सारी बातें आपको नहीं, बैंक डिसाइड नहीं कर सकता, ये बैंक को फॉलो करना पड़ेगा, क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स को। RBI ने डिसाइड कर दिया, बोला क्या करते हैं, कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट को रेज कर देते हैं 1 लाख से 1.6 लाख कर दिया। समझा देता हूं क्या होता है, कोलेट्रल फ्री लोन लिमिट की बात करते हैं, तो उसका कोलेट्रल का मतलब सिक्योरिटी। पहले 1 लाख तक का लोन लिया तो सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब ये 1 लाख नहीं, अब ये लिमिट हो गई है कितनी, 1,60,000। तो अकॉर्डिंग टू RBI नॉर्म्स, अगर आप 1,60,000 तक का लोन लेते हैं तो बैंक को कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं देनी पड़ेगी। नेक्स्ट बोला, किसान क्रेडिट कार्ड आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देता है। देखो, वो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लेना चाहेंगे तो वो भी सब्सक्रिप्शन दे देता है, लेना चाहेंगे तो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये बार आपको फ्री में साथ में मिल जाता है। क्या, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दैट फार्मर कैन ऑप्ट फॉर। अंडर इंश्योरेंस दे विल गेट कवरेज ऑफ 50,000 इन इवेंट ऑफ डेथ। अगर केसीसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो 50,000 उसे मिलेंगे, और अगर डिसेबिलिटी, कोई हाथ पैर डिसेबल हो जाता है तो उस केस में उसको 25,000 रुपए मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो केसीसी होल्डर है। नेक्स्ट बोला, द फार्मर गेट शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू 3 लाख।
एट रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 7%. पहले जो था वो 9% का इंटरेस्ट रेट था, लेकिन 2% का घटा दिया गया. अब उनको कितना देना पड़ता है? 7% देना पड़ता है. उसमें भी कंडीशन है, अगर फार्मर ने डिपॉजिट कर दिया लोन को ड्यू डेट से पहले पहले, 12 महीने से पहले पहले, तो उनको 3% की और छूट मिल जाती है. 7 देना था, 7 में से 3 की और छूट मिल गई, तो 7 में से 3 निकाला तो कितना बच गया? यस, है ना. सो रिबेट इन द इंटरेस्ट रेट, सो द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी ओनली 4%, है ना. 4% ही आपको देना पड़ेगा. राइट, आगे चलते हैं. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जरा 7 और 4 मुझे लिख के बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर. पेपर आपसे पूछे कि केसीसी पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितनी है, इंटरेस्ट नहीं बोल रहा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितनी है, तो जरा मुझे बताओ क्या आंसर करोगे. नो तो करोगे नहीं, उतने समझदार तो हो, लेकिन 7% करोगे या 4% करोगे अगर आपसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पूछ लिया गया तो. ओके, तो राइट आंसर की बात करते हैं. रशीद सरकार ने 4 लिखा है, कुछ लोगों ने 7 लिखा है, लेकिन मेजोरिटी 4 लिख रही है, बिकॉज मैंने प्रेशर देके बोला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, कभी कभी क्या होता है, हम लोग दिमाग से आंसर ना करके दिल से आंसर कर लेते हैं. होता है कि नहीं होता? होता है ना, ऐसा बहुत बार होता है लाइफ में. हम लोग सिंपथी भी शो करते हैं अपोजिट जेंडर के लिए, ऐसा बहुत बार होता है ना. यंगस्टर जो होते हैं बस में अगर बैठे होंगे, लड़का आके खड़ा हो गया ना, मजा आला, कभी सीट दे दे. लेकिन यही कोई बहन बराबर की आके खड़ी होगी तो बोलेंगे बहन जी आइए, मतलब बहन जी तो नहीं बोलेंगे, आप भी चलो ठीक है जो भी है, बट सीट दे देंगे. क्यों? क्योंकि दिमाग से काम नहीं ले रहे, दिल से काम ले रहे हैं. दिमाग तो कहता है बेटा बेटी एक समान, तो एक समान है तो सीट तो फिर बेटा भी खड़ा होगा तो बेटी भी खड़ी हो सकती है, बट दिमाग उस टाइम पे चलना बंद हो जाता है ना. फिर दिल है कि मानता नहीं, बोला आ जाइए बैठ जाइए. ऐसा ही दिल आपने यहां पे चला दिया है. क्यों चला दिया है? इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव की. अगर आप ये बोलें कि आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं या आप कहीं भी क्लासेस ले रहे हैं, तो जो बच्चा तैयारी करता है, सपोज किया जाता है कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन गारंटी तो नहीं होती ना. तो ऐसा सपोज करता है बैंक के वो बंदा 12 महीने में लोन वापस दे जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है? गारंटी है क्या? नहीं है ना. तो गारंटी नहीं है तो 4% कैसे बोल रहे हैं भैया? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 7% देना पड़ेगा, लेकिन अगर कंडीशन वहां पे लग गई ये वाली, तब आप 7% ना लिख के कितना लिखेंगे? 4% लिखेंगे. आगे चलता हूं, है ना. लेकिन अगर दिया तब ना, और जहां पे अगर लग जाता है ना, वहां पे मोस्टली इंडियन फेल हो जाते हैं. कैसे हो जाते हैं? अगर डेली पढ़ाई कर ली तो सिलेक्शन हो जाएगा. अपने दिमाग से पूछ लो कितने लोग डेली पढ़ाई कर रहे हैं, है ना. ये अगर जहां लगता है वहां दिक्कत है. इसीलिए देख लीजिए, अगर की सिचुएशन बता देता हूं, फैक्ट के साथ बताऊंगा. रिसेंटली डेटा आया है एनपीए का कि 2020 और 21 के दौरान जो एनपीए है वो कम हुआ है बैंक का, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एनपीए है ना वो बढ़ गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दिया जाता है कि अगर टाइम पे दे के गया तो 4% देना पड़ेगा. वो कहता अगर छोड़ मगर भी नहीं दे के रहूंगा, निकल लेता है वो. तो डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, एनपीए जो है ओवरऑल घट रहा है, जबकि एग्रीकल्चर का एनपीए जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना. आगे चलता हूं. नेक्स्ट बोला गया, द फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड हैज बीन एक्सटेंडेड टू द फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स टू हेल्प देम मीट देयर वर्किंग कैपिटल. 2018-19 वाले बजट में ऐसा किया गया, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया. क्या कि जब बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं आपके किसान क्रेडिट कार्ड की, तो वो क्रॉप ग्रोइंग के साथ साथ बाकी फार्मर्स को भी मिलता है. किसी भी प्रकार का डाउट हो तो रख लीजिए अपने पास, मैं लास्ट में उत्तर करूंगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी प्रोवाइडिंग 2% सब्सिडी ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनी शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 2 लाख. 2 लाख आ गया. क्यों? क्योंकि क्रॉप की बात नहीं कर रहा, आप कोई और बात कर रहा है. पहले पढ़ लो, 2% की सब्सिडी है कितने लाख तक पे? 3 लाख तक पे नहीं, बिकॉज पिछले वाली जो स्कीम थी इंटरेस्ट सबवेंशन वो तो 3 लाख तक थी. 2 लाख तक के दैट हैव बीन अवेल्ड बाय द फार्मर हु आर एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज वाया किसान क्रेडिट कार्ड. तो क्रॉप ग्रोइंग फार्मर नहीं, अगर फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री वाला फार्मर लोन लेगा तो उनको भी 9 में से 2 की छूट मिलेगी, लेकिन 3 लाख तक नहीं. कितने लाख तक की? 2 लाख तक के लोन पे. लेकिन क्रॉप ग्रोइंग फार्मर लेगा तो उसको लिमिट 3 लाख की मिलेगी. सर ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं है. क्रॉप ग्रोइंग फार्मर को इनपुट्स बहुत
बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं, जबकि दूसरा जो फार्मर है, कौन सा फार्मर आपका, फार्मर आपका जो एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज के अंदर, उसको उतने इनपुट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। उम्मीद करता हूं केसीसी को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगली स्कीम पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारी स्कीम केसीसी जैसी ही है, बट ये किसान क्रेडिट ना होके ये क्या है, ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड है। बस पिछली स्कीम में ध्यान रख लेना, क्रॉप ग्रोइंग फार्मर के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन में लिमिट 3 लाख की है, जबकि एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज के लिए जो लिमिट है वो कितने लाख की है। यस, बिल्कुल ठीक है ना। आगे चलता हूं, पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये क्या जुगाड़ है, जानते हो क्या, नाम सुना क्या इसके बारे में? डेफिनेटली इसके बारे में भी सुना होगा। क्या सुना होगा? इसका नाम ही है पशु किसान क्रेडिट कार्ड, पशुओं की बात कर रहा है। तो ये क्रेडिट कार्ड किसके लिए है? एक्चुअली मैं फोन कभी नहीं लेके आता सेशन के अंदर कभी भी, बट आज क्या हो रहा है, कॉल आ रही है, फालतू मेरे पीछे लोग पड़े हैं, मेरे खुद के ही लोग हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा दो, मैंने लगा दिया है, कॉल कर रहे हैं। एक्चुअली वो नंबर्स देख रहे हैं ना कि नंबर्स बढ़ रहे तो इतने क्रॉस हो जाएं, सब मोम आया है ये, है ना, कौन समझाए, बच्चे हैं ये छोटे। चलो आई एम रियली सॉरी, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, बस स्टेटस लगा रहा हूँ, मेरा लिंक अपडेट कर रहा हूँ क्लास का, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि हम एक नंबर क्रॉस कर जाएं। चलो एक टाइम के बाद नंबर अपने आप हो जाते हैं क्रॉस, पर मैं कर ही देता हूँ ये वाला शुभ काम, ठीक है, ओके, है ना। तो नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ गया पशु किसान क्रेडिट कार्ड। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे तो ये किसके ऊपर मिलता है, ये पशुओं के ऊपर दिया जाता है ना, पशुओं के ऊपर दिया जाता है। पशुओं के ऊपर क्यों दिया जाता है कि वर्किंग कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट जो होती है किसी फार्मर की, है ना, वर्किंग, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, है ना। ये प्यार हमें मिलता है यूट्यूब पे कम है थोड़ा सा, मतलब हमारे जूम पे 1000 स्टूडेंट बहुत नॉर्मल पेड क्लासेस के अंदर हो जाते हैं, बट यूट्यूब पे 1000 का नंबर होना थोड़ा सा अचीवमेंट मान लिया जाता है हमारी टीम के द्वारा। बाकी ये सब मोह माया, मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि ठीक है, बेस्ट है, जो भी है चल रहा, चलने देना चाहिए, तो ठीक है ना। जूम पे 1000 आते हैं बेस्ट है यार, इधर वाला तो ठीक है ना, आते रहेंगे धीरे धीरे। तो पशुओं पे क्या दिया जाता है, पशुओं पे लोन दिया जाता है, ये वर्किंग कैपिटल जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि पैसा चाहिए लेकिन पैसा है नहीं, तो बेटर है ना, जितनी वैल्यू का आपका भैंसा है या भैंस है उस पर लोन मिल जाना चाहिए। वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो आपने युवराज का नाम सुना होगा, है ना, बड़ी दुख की बात है, रिसेंटली उसकी डेथ हो गई थोड़ा टाइम पहले, लेकिन युवराज की कीमत 21 करोड़ थी। सुना आपने, वो हरियाणा का जो सांड था जिसका नाम युवराज था, 21 करोड़ कीमत थी उसकी। चलो 21 करोड़ ना सही, लेकिन 1-2 लाख की तो हमारी भी गाय भैंसे होती है ना, तो उनपे दे दिया जाएगा। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो क्या बोला गया, पशु किसान क्रेडिट आपको क्या देगा, आपको ये लोन देगा। तो क्या बोला गया, बोला लॉन्च हुई है ये 6 दिसंबर 2019 को हरियाणा के अंदर ये लॉन्च हुई थी, द कार्ड अलोंग लाइन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड, जैसा उसका काम है वैसा इसका काम है। स्कीम एंड विल अलॉट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द एनिमल यू ओन, जो आपके पास भाई साहब जानवर है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। फॉर अ मुर्रा बफेलो आपको कितना, लगभग 76,000 रुपए दिए जाएंगे। इंडिजिनस काओ है तो उसके लिए लगभग 70,000 रुपए, एंड एक्सोटिक काओ है तो उसके लिए लगभग 71,000 रुपए। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ओवरऑल याद कर लीजिए, पशु के बेस पे आपको क्या दिया जाएगा, आपको पशुओं के हिसाब से जो पशु की वैल्यू है उस हिसाब से आपको लोन अप्रूवल दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास श्रिंप जानते हैं ना, वो टाइगर श्रिंप है और वो जो प्रोन कल्चर है, प्रोन एंड श्रिंप आपने पढ़ा होगा, है ना, तो इफ यू ओन श्रिंप, ब्रैकिश वाटर श्रिंप स्पेसिफिकली, द क्रेडिट लिमिट विच विल बी ऑफर्ड फ्रॉम कितना, 92,000 से लेके 1,11,000 तक आपको फ्रेश वाटर श्रिंप के लिए मिल जाएगा लोन। दिस स्केल ऑफ फाइनेंस हैज बीन डिसाइडेड आफ्टर रेकरिंग कोस्ट, जो दोबारा कोस्ट खर्चे होते हैं टूवर्ड्स फीडिंग, वेटनरी एड, मतलब जो उनकी देख रेख पे खर्चा आएगा, वाटर पे, लेबर पे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे, हैव बीन एडेड। तो आपको लगभग 90,000 से 1,11,000 तक का लोन मिल जाता है, वो डिपेंड करता है आपके रेकरिंग कोस्ट पे, कितना आपका खर्चा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलेगा। फॉर एनी पर्सन हु हैज कैटल और फ्रेश वाटर श्रिंप मोर देन वैल्यू ऑफ ₹1.6 लाख, कोलेट्रल विल नीड टू बी गिवन टू द बैंक, है ना, सिक्योरिटी वहां पे देनी पड़ेगी, कोलेट्रल देना पड़ेगा, बट आपको पशु के हिसाब से लोन मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एन ओनर कैन परचेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद द क्रेडिट लिमिट, जो खरीदना चाहे खरीद ले, है ना। बैंक ने लोन दे दिया, बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, तो सिमरन कहती मैं भी जा रही हूं जिंदगी जीने के लिए, तो बोला जो खरीदना है खरीद लो। हाउएवर ही और शी मस्ट रीपे, बोला करना है जो कर ले,
लेकिन रीपे कर देना कितने साल के अंदर, एक साल के अंदर, टू गेट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%, वरना 7% लग जाएगा अगर एक साल में ना दिया तो. And they become defaulters if money is not repaid within a year. Defaulter समझते हैं ना, दिवालिया, कंगाल घोषित कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा. कितनी बेइज्जती वाली बात है ना, अगर लोन को रीपे नहीं किया कितने टाइम में, एक साल के अंदर. पशु किसान क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड की बात हमने कर ली है, आगे चलेंगे. उससे पहले प्रदीप चौधरी जी का आंसर कर देंगे. प्रदीप चौधरी जी कहते हैं कोलेट्रल क्या होता है. प्रदीप सर, कोलेट्रल का मतलब होता है सिक्योरिटी, है ना, वो जो आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी पेपर देने पड़ते हैं कि मान लो भाई मैंने लोन लिया 10 लाख का, तो घर के डॉक्यूमेंट रख के, प्लॉट के, कुछ भी रख के, वो गिरवी जो रख के हम लेते हैं, तो वो सिक्योरिटी होती है ना. तो सिक्योरिटी को बैंकिंग की टर्म में कोलेट्रल के नाम से बोला जाता है. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट आ गया जी किसान कॉल सेंटर. हर्ष जी थैंक यू सो मच. किसान कॉल सेंटर की बात करते हैं, केसीसी की बात करते हैं. तो केसीसी जो है, इसके बारे में भी सारे लोग जानते हो कि 21 जनवरी 2004 को स्कीम लॉन्च हुई थी. 1800 180 1551 1800 180 1551 इसका नंबर होता है. सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम करते हैं. दो लेवल पे काम करते हैं, ध्यान रखना. दो लेवल कौन कौन से होते हैं, एक लेवल तो वो होता है जो क्वेरी को सुनता है. लोगों के फोन आ रहे हैं, बोला हमारी फसल में ये हो गया वो हो गया, वो क्वेरी सुन रहे हैं. और दूसरा उनका सीनियर लेवल होता है, वो क्वेरी को एनालाइज कर रहा होता है. एनालाइज का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब होता है कि ओवरऑल देख रेख करना. जैसे हमारे भाई साहब यहाँ बैठे रहते हैं, ये मुझे तब से कह रहे हैं कि हजार हजार कर दो, ये एनालाइज कर रहे हैं, है ना, कि कितना आ रहा है कितने नहीं है. तो अल्टीमेटली वो क्या है, वो एक जूनियर लेवल है जहां पे कॉल आंसर की जाती है, और एक सीनियर लेवल है जहां पे क्वेरी को एनालाइज किया जाता है कि एरिया स्पेसिफिक कौन सी प्रॉब्लम है जो वहां पे आ रही है. तो वो क्या हो जाता है, वो आपका दो लेवल हो जाते हैं. के टोटल केसीसी कितनी लोकेशन, 21 लोकेशन पे ये है. टोटल लैंग्वेजेस जिसमें केसीसी ऑपरेट करते हैं ये 22 है. किसान कॉल सेंटर जो है, बोला इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को टोल फ्री नंबर के थ्रू, मतलब पैसा नहीं लगाना पड़ेगा. यहाँ पे किसी ने 3 लेवल लिख दिया है, इसको बता देता हूँ सर, इसको करेक्शन कर लीजिएगा. करंट की बुक में 3 लेवल लिखा गया, बट 3 पे नहीं. किसान कॉल सेंटर 2 लेवल पे काम करते हैं, एक लेवल जो क्वेरी को सुनता है, दूसरा लेवल जो क्वेरी को एनालाइज करता है. ठीक बात है, आगे चलता हूँ. नेक्स्ट आ गया टोल फ्री नंबर, ये सब लोग जानते हैं. उसके अलावा अगर बोलूंगा तो किसान कॉल सेंटर की छुट्टियों की बात कर लीजिए. इनको कोई भी छुट्टियां नहीं होती हैं, सैटरडे भी काम करना पड़ता है, संडे भी काम करना पड़ता है, लेकिन गैजेटेड हॉलीडेज जो होते हैं, होली दिवाली वाली जो छुट्टियां होती हैं, वो हाँ इनको मिल जाती है. आगे चलेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की. मुद्रा जिसके अंदर आपने शिशु, किशोर, तरुण, ये सब नाम सुने होंगे. शिशु जानते हैं ना, छोटा वाला, है ना, तो छोटा लोन मिलेगा तो शिशु मिलेगा, बड़ा मिलेगा तो किशोर मिलेगा, और बड़ा मिलेगा तरुण मिलेगा. आप बोलेंगे ये क्या मिल रहा है सर, शादी तो हमारी हुई नहीं. नहीं नहीं, वो वाला शिशु नहीं मिलेगा, तुम गलत समझ गए हो यार. फिलहाल लोन वाला, छोटा सा लोन, है ना, दिखाता हूँ ये देखिए, शिशु भी आने वाला है. तो बोला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च हुई 2015 में. एम टू प्रोवाइड लोन अप टू 10 लाख है ना, अप टू 10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस. बोला गया द मिनिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट मुद्रा के अंडर में लोन लेने के लिए 18 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम जो है वो कितने साल की, 65 साल की होनी चाहिए. इस लिमिट को प्लीज याद कर लीजिएगा. मुद्रा के अंदर जो कैटेगरीज है वो 3 है. शिशु कैटेगरी के अंदर 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर कैटेगरी के अंदर 50,000 से ऊपर 5 लाख तक का, और तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है. 10 लाख से ऊपर लोन मिलता ही नहीं है. अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं. किसी ने बोला कि 10 बजे के बाद करो तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को, पता नहीं रिकॉर्ड क्या बोला. हाँ ठीक है, वो किस, ये वाला आप याद कर लीजिए. वो कोई भाई साहब है, वो किसान कॉल सेंटर के लिए बोल रहे हैं कि किसान कॉल सेंटर जो है वो सुबह 6 बजे यानी 6 AM से रात के 10 PM तक काम करते हैं. मतलब किसान कॉल सेंटर बंद रहता है रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक, बिकॉज सुबह के 6 बजे खुलता है. तो सर उस टाइम पे कॉल किया तो आपने IVR का नाम सुना होगा. सुना है ना, आजकल IVR बहुत खराब हो गए हैं, है ना. IVR जानते हैं ना, इंटरक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, वो जो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो ना, 1-1-1-1-1-9-8, जो भी आप डायल करते होंगे,
मैं जब कॉल करता हूँ मुझे वो क्या बोलती है, हिंदी के लिए एक दबाएं, अंग्रेजी के लिए दो दबाएं, नहीं दबाना तो भाड़ में जाए, खैर भाड़ में जाए तो वो नहीं बोलती है, लेकिन बोलती है ना ऐसा ऐसा, मैं एक ही बटन का वेट कर रहा होता हूँ कि नो वाली बात कर, कि कस्टमर सपोर्ट से बात करने की नो दबाएं, वो नो पे आती नहीं है, मुख्य सूची है ना, मेन मेन्यू आ गया उनका, ये मेन्यू आ गया, 7-8 तक कहानी, एंड आई एम वेटिंग 9 9 9, वो 9 आती नहीं है, वो बोलती नहीं, मैं फिर भी 9 दबा देता हूँ, वो फिर बोलती है ओहो आपने गलत प्रेस कर दिया, फोन कट जाता है। और मुझे इस आईवीएन ने बहुत दुखी करा हुआ है ना, आप भी देखिए आजकल ये लगते नहीं है जल्दी से, बट हाँ ये ध्यान रख लीजिएगा कि रात के 10 से लेके सुबह के 6 बजे तक जो काम करता है वो कौन करता है, वो आईवीआर यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस करता है। ठीक है जी, हमारी मुद्रा योजना भी कवर हो गई, मुद्रा के बाद हमारी अगली स्कीम पे चलेंगे। अगली स्कीम कौन सी है, अगली आपकी स्कीम है ये है जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो काफी डिमांड में चल रही है ना, डिमांड में मतलब कि इसको अच्छे से पढ़ाइएगा। ओके, सो जब बात करेंगे इसकी, जब बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो ये देखिए जरा कैसे काम करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं। पर्सनल क्वेश्चन बिल्कुल ना किया करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये पर्सनल बातें होती हैं है ना, हो जाता है कभी कभी यार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये बड़ी स्कीम है ना। अब शाम तो यही सारे लोग हंस रहे हैं, अभी भी खुश हो रहे हैं, होता है यार। मतलब क्या होता है ना कि आप जब मेल होके मेल को फोन करें और वो रिप्लाई ना करें या फिर सही सोल्यूशन, बुरा नहीं लगता, लेकिन मेल हो के फीमेल कॉल उठा ले फिर बात ना बने, फिर अंदर से दिल पे लग जाती है बात यार, है ना, कि बात नहीं बनी तो हाँ कस्टमर सर्विस पे ऐसा हो गया 2-4 बार, फोन करो तो फीमेल बात कर रही होती है, फिर वो सॉल्यूशन नहीं दे पाती है, फिर बुरा सा लगता है ना यार कि बात भी हुई फिर भी बात नहीं हुई तो काम खराब हो। चलो, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सर, स्कीम के नाम के अंदर क्या लगा हुआ है, स्कीम के नाम के अंदर बीमा वर्ड लगा हुआ है, बीमा जानते हो ना, है ना, बीमा क्या होता है जी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, अश्योरेंस, अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है अपने गले की मुसीबत को किसी और के गले में डाल देना, है ना। आप लेके आए नई गाड़ी, आपने वो आप गए किसके पास, टाटा इंश्योरेंस के पास, मैक्स के पास, किसी के पास भी गए, आपने बोला ये ले भैया ले ले 20,000 रुपए और अब कर मेरा 2 साल का 1 साल का 3 साल का बीमा, गाड़ी ठुक गई तो टेंशन सारी तेरी। तो अपने गले की मुसीबत को कंपनी, मतलब मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, सीधा बोलिए कि रिस्क को ट्रांसफर कर देना, है ना, अपना जो रिस्क है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे। मैं देसी बंदा हूँ यार, मेरे को बातें ऐसी आती हैं, अब क्या करूँ, है ना, मेरे माइंड में पता क्या चल रहा है, मतलब एक बार डिस्कशन चल रहा था, मुझे याद है मेरे ग्रेजुएशन टाइम में, तो मेरा एक फ्रेंड था तो पंजाबी बोलता था वो, तो व्हाट ही सेड इमीडिएटली कि रिस्क को ट्रांसफर करके, मेरा पार्ट था इकोनॉमिक्स, हमेशा से मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, तो मैं ये वाला नहीं, मैं इंश्योरेंस के बारे में उसे पढ़ा रहा था, समझा रहा था, तो इमीडिएटली ही रिप्लाइड इन पंजाबी, है ना, वो पंजाबी बोला, मैं आपको हिंदी बोल के बता दूंगा, ही सेड यार सीधा बोलना कि मरा हुआ सांप किसी और के गले में डाल देना, है ना, उसका मतलब ये कि टेंशन किसी और के गले में डाल दी है। तो इंश्योरेंस होता तो एक्चुअली यही है कि हमें लग रहा है टेंशन है, हम उस टेंशन को किसी और के सामने किसी और के पास ट्रांसफर करते हैं, कंपनी हमें इंश्योरेंस देती है, इंश्योरेंस का मतलब कंपनी की अब टेंशन है, रिस्क उसे ही देखना पड़ेगा, राइट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी रिस्क कवर करती है, रिस्क कौन सा, जो आपकी फसलों के साथ आ रहा है, जो आपकी क्रॉप के साथ आ रहा है, उस रिस्क को कवर किया जाता है। बेसिक बातें तो इतनी सी है कि 2016 से स्टार्ट हुई थी, सारे के सारे फूड ग्रेन ऑयल सीड एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर सब क्रॉप को कवर करती है, लेकिन उन क्रॉप को कवर नहीं करती है जो आपके एरिया में नई नई ग्रो हो रही है। जैसे पंजाब के अंदर स्ट्रॉबेरी तो नहीं होती है, लेकिन मैंने स्ट्रॉबेरी ग्रो करना शुरू कर दिया तो मुझे फसल बीमा योजना के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेनिफिट लेने के लिए उस क्रॉप का डेटा होना चाहिए पिछले 5 से 7 सालों का। तो वो तो मैंने ग्रो करना शुरू किया ना, पंजाब में होती ही नहीं है, तो जो नई स्कीम होती है, जो नई इंट्रोड्यूस स्कीम होती है, उस केस में आपको उस कवर क्रॉप को कवर नहीं किया जाएगा, वरना सारी की सारी क्रॉप यहां पे कवर होती है, 1 season 1 rate, है ना। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट है, एक सीजन का एक ही रेट है, फसल कोई भी हो, 2% खरीफ के लिए, 1.5% रबी के लिए, 5% एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, कॉटन और शुगर केन के लिए 5%। सर इन पे ज्यादा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि देखो ना, अगर आप बोलो, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोला कि 50 रुपए लूंगा 1 घंटे के सेशन के, लेकिन अगले दिन बोला 100 रुपए लूंगा 2 घंटे के सेशन के, तो क्या गलत बोला? डबल हो गया ना, तो डबल कर दिया।
तो ये जो क्रॉप होती है ये लगभग 4 महीने की होती है, तो उतना है। लेकिन इस केस में देखो शुगर केन तो 1 साल का हो जाता है, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप 1 साल की हो जाती है, तो उनका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इसीलिए जो प्रीमियम परसेंटेज है उनके ऊपर वो भी बढ़ा दिया जाता है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है एक वो मिनिमम अमाउंट जो आपको देना पड़ता है इंश्योरेंस लेने के लिए। तो किसान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो सारे के सारे क्रॉप के रिस्क कवर करती है, प्रिवेंटिव सोइंग भी कवर हो जाता है। किसी कारणवश अगर आपको सोइंग नहीं करने दी गई, बोला इस बार मौसम बहुत खराब होगा, फसल की बुवाई नहीं करनी है, तब भी रिस्क कवर होगा। 25% आपको टोटल सम का दिया जाएगा कि मेरी फसल का अगर इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का था और किसी कारण से मेरी सोइंग को रोक दिया गया, मैंने फसल ग्रो ही नहीं करी, तब भी मुझे 2.5 लाख रुपए यानी 25% का क्लेम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ग्रो तो नहीं करी, लेकिन ग्रो करता तो फायदा तो होता ना मुझे, लेकिन ग्रो नहीं कर पाया इसलिए नुकसान हुआ, तो 25% का क्लेम आपको तब भी दिया जाएगा। आगे चलते हैं। सो प्रिवेंटिव सोइंग रिस्क टू स्टैंडिंग क्रॉप एंड पोस्ट हार्वेस्ट। तो सोइंग नहीं करी, प्रिवेंटिव सोइंग तब भी, अगर सोइंग करी और खड़ी क्रॉप में नुकसान हो गया तब भी, और पोस्ट हार्वेस्ट 14 दिन तक के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कवर होते हैं। बट ये भी ध्यान रखना 14 डेज तक के होते हैं, उसके बाद नहीं होते। हार्वेस्ट लॉसेस फॉर कट एंड स्प्रेड क्रॉप ऑन द फील्ड अप टू 14 डेज ड्यू टू साइक्लोन, साइक्लोनिक रेन्स या फिर अनसीजनल रेन, किसी भी कारण से प्रिवेंटिव सोइंग हो गई या फिर स्टैंडिंग क्रॉप में लॉस हो गया या फिर पोस्ट हार्वेस्ट के बाद लॉस हो गया, सब फसल बीमा योजना कवर कर देगी। ऑन अकाउंट पेमेंट अप टू 25% ऑफ सम इंश्योर ड्यू टू प्रिवेंटेड सोइंग और मिड सीजन एडवर्सिटी। आधे सीजन में फसल खराब होगी तो ज्यादा खर्चा तो आपका हुआ नहीं था, या फिर सोइंग को प्रिवेंट कर दिया है किसी कारणवश, तब भी आपको 25% का क्लेम मिल जाएगा, सारा नहीं मिलेगा। आगे क्या बोला गया? नेक्स्ट आ गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। पर मैं इस पे जाने से पहले किसी की रिक्वेस्ट थी तो मैं वो वाला काम भी कर दूंगा, डिटेल में पढ़ाइएगा। तो इसके बाद इसमें डिटेल बचती है कौन इसमें कवर होता है और कौन इसमें कवर नहीं होता, रिस्क की बात कर रहा हूं। तो रेनफॉल से, ड्रोट से, फ्लड से, साइक्लोन से, ये सब से अगर नुकसान होता है तो वो स्कीम के अंडर कवर किया जाता है। लेकिन अगर फायर से लॉस हो गया है ना, फायर से लॉस हो गया वो कवर नहीं किया जाता। अगर वाइल्ड एनिमल ने अटैक कर दिया उस लॉस को कवर नहीं किया जाता। और अगर आपका कोई न्यूक्लियर वॉर हो गई या दो देशों के बीच युद्ध हो गया उस केस में कवर नहीं किया जाता। और लोकलाइज कैलोमिटी अगर आपके खेत में हुई है और वो प्रिवेंटेड थी, मतलब उसको प्रिवेंटेड नहीं प्रिवेंटेबल थी, मतलब उसको रोका जा सकता था लेकिन आप रोक नहीं पाए, तब भी आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। ठीक बात है, आगे चलो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी स्कीम आ गई जी ईनैम। ईनैम बोले तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, इसी के सारे पंगे थे वो जो इतना कुछ हुआ। हाँ, क्या हुआ क्या नहीं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्या सही क्या गलत इसमें मेरे कोई कमेंट्स नहीं है, है ना। लेकिन हाँ, कुछ सही और कुछ गलत था कि वो सब हुआ, 3 लोस फिर वापस लेना, ये वो एंड ऑल सब बातें हुई है ना। तो वो जो था ना, वो इससे कंफ्लिक्ट था एपीएमसी। एपीएमसी कौन है जी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसके अंडर में मंडियां आती हैं जो हमारे मेरे और आपके यहाँ पे लोकेटेड है ना। इन मंडियों को कंट्रोल करता है एपीएमसी, बदले में कमीशन लेता है, टैक्स लेता है, फीस लेता है, चार्जेस लेता है। लेकिन गवर्नमेंट बोले कि अब हम क्या कर देंगे, वन नेशन वन मार्केट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके आ जाएंगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर फार्मर से डायरेक्टली खरीद पाएंगे। तो इनका जो ये पैसा था ये मारा जाता, इसीलिए पंजाब हरियाणा में बहुत कंफ्लिक्ट था इस बात का। हाँ, किसानों में था, किसान अपनी जगह पे सही थे, लेकिन सरकारों को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि सरकारों का रेवेन्यू चला जाता, और यहाँ की सरकारों को अच्छा क्यों नहीं लगा है ना। मैं अब किसी सरकार के भाई बात नहीं कर रहा हूँ, फिर कोई क्योंकि पॉलिटिकली बात कर दो तो लोग डिवाइड हो जाते हैं, फिर इधर उधर हो जाते हैं, पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसा था है ना। नुकसान नहीं हुआ, लेकिन होता कि अगर एपीएमसी का कंट्रोल हटा दिया जाता तो स्टेट को नुकसान होता, बिकॉज सारा रेवेन्यू जो है मंडियों वाला वो स्टेट के पास जाता है। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती तो वो वाला नुकसान उधर ना हो, मतलब होके कहीं और रेवेन्यू जाता। लेकिन इस बीच में मंडियों से किसानों को फर्क नहीं पड़ता, शायद हो सकता है किसानों को टैक्स कम, फी कम देनी पड़ती, लेकिन उस मंडियों के अलावा जो वो कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला था
उसके अंदर थोड़ा सा इशू था जो फार्मर्स ने बोला और जिसके कारण उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन हाल फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं, हम तो ई नैम की बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो मंडिया है उसकी बात कर रही है ना। तो जब बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे आपके ओवरऑल मंडियों की, तो बोला गया कि ई नैम 14 अप्रैल 2016 को आया था। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम अप्रूव हुई थी 1 जुलाई 2015 को विद एन इनिशियल एलोकेशन ऑफ रुपीज 200 करोड़ और 585 होलसेल मंडी लिंक हुई थी। कुछ नहीं 200 करोड़ याद मत करो, ये लॉन्चिंग डेट को याद कर लो। पहले 585 मंडियां थी, बाद में 415 मंडियां और ऐड कर दी गई, तो 585 के अंदर 415 ऐड कर दो। इस टाइम पे जो मंडियां हैं ई नाम के अंदर में वो कितनी है, 1000 मंडियां ई नाम में रजिस्टर्ड है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटिंग द एग्जिस्टिंग मंडी, जो ऑलरेडी मंडियां हैं। मंडियां जानते हो ना, वो तुम्हारे यहां भी सब्जी बिकती होगी है ना, वो सुबह सुबह जो बिडिंग होता है, बोली लगती है, फिर सब्जियां बेची जाती हैं, वो मंडी वाला कॉन्सेप्ट ही है ना। तो बोला इंटीग्रेशन कर देंगे एग्जिस्टिंग मंडी का, वन नेशन वन मार्केट बना देंगे। भाई सब ई नैम एक ही है, आ जाओ सारे के सारे लोग, बेचने वाले भी खरीदने वाले भी, तो वन नेशन वन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया है ना। तो ये क्या है जी, सबके लिए एक ही है। 1000 मंडियां इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो गई है और इसके ऊपर प्रेजेंटली कितनी कमोडिटीज में डील हो रहा है, पहले 150 कमोडिटी थी, अब कमोडिटी कितनी हो गई है, 175। 1000 मंडियां है, 175 कमोडिटीज में डील कर रहा है। ई नैम की बात करेंगे, मंडियां 1000 हो गई है। सबसे ज्यादा जो ई नैम मंडियां रजिस्टर्ड है वो राजस्थान की है, सेकंड रैंक किसका है, उत्तर प्रदेश का। कॉल सेंटर नंबर जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, कि सामान लाने ले जाने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो ई नैम का कॉल सेंटर नंबर है 1-800-270-0224। फार्मर है, एफपीओ है, बिजनेसमैन है, सर्विस प्रोवाइडर है, सब लोग। ऐसा कोरोना टाइम में शुरू किया गया था, बिकॉज कोरोना के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने अलग से हेल्पलाइन दे दी कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा तो इससे आप लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ई नैम की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आगे जाने से पहले वो बात जो चार बार पहले बोल दिया, पांचवी बार फिर से बोल दूंगा, वो ये कि अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं जल्दी ही आपको आंसर दूंगा, लेकिन बस थोड़ा सा और टाइम दो, लेक्चर खत्म हो जाए, 15 मिनट सिर्फ आपके डाउट्स के लिए, क्योंकि अब पढ़ूंगा तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा है ना। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए और अपने सिलेक्शन के लिए लेक्चर को बेहतर बनाएंगे। तो MIDH जो है वो क्या है, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2014-15 के अंदर आई थी। सर ये तो बहुत पुरानी स्कीम है, इसे क्यों बढ़ा रहे हो, पुरानी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से है ना। सो जब बात करेंगे इसी की, जब बात करेंगे आपके MIDH की, तो MIDH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है 60% ऑफ टोटल आउटले फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जितना खर्चा होता है उसका 60% गवर्नमेंट देगी सारे स्टेट में, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 40% जो है वो स्टेट को खुद को देना पड़ेगा। मान लो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है ना, इन स्टेट में अगर स्कीम चलाई गई तो ये स्कीम क्या करेंगे, 60% पैसा गवर्नमेंट दे देगी, 40% स्टेट को खुद को लगाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो वहां पे सेंटर जो है वो 90% दे देगा, 10% स्टेट को लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम है, CDB कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की है, या फिर CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर नागालैंड की, या फिर नेशनल लेवल एजेंसी की है ना, तो वो तो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के ही है ना। तो गवर्नमेंट क्या, तो फिर सारा पैसा जो है गवर्नमेंट ही लगाएगी, 100% वहां पे लगा देगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया MIDH कंसिस्ट ऑफ 5 सब स्कीम। ये नाम जरूर याद रख लीजिएगा, MIDH के अंडर में जो नाम आते हैं क्या आते हैं, NHM आता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, HMNEH आपका हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट आता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का डेवलपमेंट इसी के अंदर आ जाता है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इसमें आ जाता है, और CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर इसी स्कीम के अंदर आता है। इनका ओवरऑल डेवलपमेंट और इनके थ्रू हॉर्टिकल्चर का ओवरऑल डेवलपमेंट वो किस स्कीम के अंडर में कवर किया जा रहा है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में कवर किया जा रहा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्कीम की बात करेंगे। नेक्स्ट स्कीम जो है वो क्या है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। ठीक है ना, आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात का जवाब दे दूंगा,
सब अक्षय जी है हमारे बीच, अक्षय जी ने लिखा है सब स्कीम मोदी जी ने लाई है, बिफोर 2014 कोई भी ऐसी स्कीम नहीं थी, है ना। मैं मोदी जी के अगेंस्ट नहीं हूं लेकिन मैं अवेयरनेस तो जनरेट करता हूं, मेरा काम ही टीचर है और मेरा टीचर के साथ मेरा नाम भी दीपक है, नाम का मीनिंग तो वो तगड़ा है मेरे का, है ना, दूसरों को रोशनी देता है, तो रोशनी दे दूंगा सर, ऐसा नहीं है। अभी आगे आके ज्यादा दूर नहीं चलता, अभी एक स्कीम पढ़ाता हूँ आगे आके, ऐसा नहीं है उन्होंने ही चलाई है। ये देखिए सर एक स्कीम आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, कौन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना, राइट, अभी आगे आएगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो पहले से चल रही थी लेकिन इंदिरा आवास योजना के नाम से थी, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया और इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया गया। ई चौपाल के नाम से 2004 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था लेकिन ई चौपाल के नाम पे ई नैम जैसा नया कॉन्सेप्ट फिर में ला दिया गया। तो बात यह नहीं है कि कौन लेके आया और कौन नहीं लेके आया, लेकिन बात यह है कि जागरूकता होना बहुत जरूरी है ताकि अपना कीमती वोट देते टाइम आप इसका दिमाग का यूज करते हुए वोट दे सके। भक्ति नहीं करनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसको वोट दो लेकिन ये कहता हूं कि इसको सफिशिएंट रखो, वोट देते टाइम इसका यूज करो, नहीं तो काम खराब है, है ना। सो नेक्स्ट स्कीम आ जाती है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, है ना। जब बात करें किसकी, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की, तो भाई जो एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, है ना, उसके बाद जो पंजाब है, जो हरियाणा है, जो वेस्टर्न यूपी है, यहां भी इसके बहुत चक्कर है यार, ये जलाया जाता है, प्रदूषण होता है, बड़ी ही दिक्कतें आती है, राइट। तो जब बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे आपकी प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट, इन सिटू का मतलब क्या होता है, खेत के अंदर ही हो जाए, कहीं ले जाना ना पड़े, है ना। तो खेत के अंदर ही मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया भाई सरकारों ने, देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रमोट्स फार्म मैकेनाइजेशन मेनली थ्रू द सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM फॉर मैकेनाइजेशन फॉर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, देयर इज अ डेडिकेटेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम कॉल्ड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, है ना। स्कीम लेके आए कि जलाना ना पड़े रेसिड्यू को, खेत के अंदर ही क्या हो जाए उसका मैनेजमेंट कर लिया जाए। द स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 2018 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। कब स्टार्ट की गई थी, 2018 के अंदर स्टार्ट की गई थी, वेयर इन फार्मर्स आर प्रोवाइडेड मशीनरी फॉर इन सिटू मैनेजमेंट of crop residue through establishment of custom hiring center CHC, है ना, ताकि खेत के अंदर ही जो भूसा है, जो उसका धान पराली है, उसका क्या हो सके, उसका मैनेजमेंट हो सके। नेक्स्ट वाला, इंडिविजुअल फार्मर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड सब्सिडी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी, है ना, फार्मर को मशीनरी के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इन द स्टेट ऑफ, पूरे इंडिया में नहीं है, पंजाब, हरियाणा, यूपी और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के साथ जो लगता हुआ एरिया है, फॉर द पीरियड ऑफ 2018-19 to 2019-20 100% सेंट्रल स्कीम है, इसे कंटिन्यू किया जा रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 50% तक का ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स फॉर द परचेज ऑफ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, है ना, कि क्रॉप मैनेजमेंट के लिए जो मशीनरी लिया उस पर आपको 50% की सब्सिडी मिल जाएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज प्रोवाइडेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, रजिस्टर्ड फार्मर सोसाइटी को, पंचायत को, क्या करने के लिए, सीएचसी बनाने के लिए। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को 80% तक की सब्सिडी, इंडिविजुअल को 50% तक की सब्सिडी इसके अंडर मिलेगी। स्कीम के कंपोनेंट क्या है जी, एस्टेब्लिश फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग ऑफ इन सिटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर इन सिटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। सीधी सीधी बात है यार, सब्सिडी दे रहा है किसके लिए, सब्सिडी दे रहा है खेत के अंदर ही जो पराली है, जो स्ट्रो है, जो पैडी स्ट्रो है, उसका मैनेजमेंट करने के लिए। अच्छा, दो चार डाउट भी है, आपको पता है आपने पिछली वीडियो पे कमेंट किए हुए हैं, वहां से डाउट भी है, जैसे कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाला डाउट है, हाईएस्ट कोस्ट लाइन वाला डाउट है, हाईएस्ट कस्टम हायरिंग सेंटर वाला डाउट है,
कुछ कुछ और भी डाउट है दो चार, है ना, मेरे माइंड में है, मैंने कमेंट सब लोगों के देखे थे, मैं वो भी आंसर कर देता हूँ। डाउट्स कभी डाउट्स नहीं रहने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए, बस 15 मिनट का टाइम और दीजिए, ये वाला पार्ट कवर कर देता हूँ। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर थ्रू एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनिमल डंग, है ना, ऑर्गेनिक मेन्योर का प्रोडक्शन करना, उसके लिए भी सब्सिडी है। टू इंसेंटिवाइज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर, है ना, क्या ऑर्गेनिक मेन्योर को ज्यादा बनाओ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक स्कीम रन करके जिसका नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, के जो पैसा आपको लगाना पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पे हम सब्सिडी देने के लिए क्या चला रहे हैं, एक स्कीम चला रहे हैं। अंडर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल एग्रो कंपोस्टिंग यूनिट, है ना, आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल से वेस्ट से कंपोस्ट बनाना है, उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी। बस इतना सा याद रख लो, 33% की सब्सिडी यहां पे मिलती है, मैक्स टू मैक्स 63 लाख रुपए मिलेगी एक यूनिट की, सीलिंग अमाउंट 63 लाख का है, 33% की सब्सिडी मिलेगी। और सब्सिडी जो है वो कैसी है भैया, बैक एंडेड सब्सिडी है, मतलब पहले कुछ पैसा नहीं मिलेगा, पहले पूरा यूनिट बनाइए, पूरा पैसा लगाइए, उसके बाद सब्सिडी क्लेम आप कर सकते हैं, तो उसे बैक एंडेड सब्सिडी बोलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर, क्योंकि ये तो आप और मैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वाले केस में 33% की सब्सिडी है, लेकिन स्टेट वाले केस में जाएंगे तो बोला स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियों को 100% की सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन कहां तक, 190 लाख रुपए एक यूनिट का, है ना, कि स्टेट इससे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है तो वो पैसा खुद देगा, लेकिन 190 लाख तक का जो पैसा है वो उसे 100% सब्सिडी के रूप में मिलेगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड इनपुट सब्सिडी, कितना, 31,000 पर हेक्टेयर पे अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना एंड 32,000 पर हेक्टेयर का अंडर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन के थ्रू। तो सब्सिडीज के परसेंट अमाउंट याद कर लेना वो जरूरी है, ये वाला चाहे याद ना करो कि स्टेट को और सेंटर को कितना मिलता है, लेकिन ये याद करना इंडिविजुअल वाले केस में कितना है, 33% है। आगे चलते हैं, बस कुछ दो चार बातें इंपॉर्टेंट और रह गई है, फिर वाइंड अप करेंगे और क्या करेंगे, लास्ट में आपके डाउट्स आंसर करेंगे। ओहो, पॉलिटिकल बातें होना शुरू हो गई हैं, है ना, पॉलिटिकल ओपिनियन सभी के अलग अलग होते हैं, होने भी चाहिए, स्वतंत्रता है हमें। तो क्या बोला गया, फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम FMDCP की बात करते हैं, तो बोला FMD eradication is being implemented under National Animal Disease Control Program since 1920. ये जो स्कीम है ये कोई सब्सिडी नहीं देती है, ये सिर्फ प्रमोट करती है कि टाइम पे सारी वैक्सीन लगवा लो ताकि बीमारियां ना फैले। तो NADCP has a total outlay of rupees 13,343 करोड़ फॉर 5 years, आपको याद नहीं करना इसका आउटले, कोई बहुत बड़ी स्कीम नहीं है, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम वेयर 100% फंड विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर। हाँ, 2019-20 से स्टार्ट हुई है, सेंटर इसे प्रमोट कर रहा है, पर्पस क्या है, इट्स एम्स टू कंट्रोल FMD डिजीज बाय 25 विद वैक्सीनेशन एंड इट्स इवेंचुअल इरेडिकेशन बाय 2030। बोला 25 तक तो सबके सब वैक्सीन लगवा लें एनिमल, और 2030 तक जो FMD नाम की बीमारी है उसको खत्म, इरेडिकेट ही कर दिया जाए। It envisages the vaccination of 100% cattle, buffalo, sheep, goat, pig population for FMD. So basically FMD focus है, foot and mouth disease control program है, 19-20 में आया है, और बोला गया कि 5 साल के लिए इसे implement हम करने वाले हैं, 100% state center इसे funding देने वाला है, 2035 तक vaccination सब पूरा कर देंगे और 2030 तक बीमारी खत्म कर देंगे, ऐसा target इस scheme के under में लिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की वाली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछलियों के लिए जो हो गई, तो मत्स्य संपदा योजना की बात करेंगे, ये भी रिसेंटली लॉन्च है, बहुत पुरानी तो ये भी नहीं है, तो मत्स्य संपदा की बात करता हूं, तो ये लॉन्च हुई थी 5 जुलाई 2019 को, इंक्रीज करना है किसका, फिश का प्रोडक्शन और एक्वाटिक प्रोडक्शन, इस पे ये एम करती है। इंप्लीमेंटेशन पीरियड जो है 2020-21 से लेके 24-25 तक का है, सारे स्टेट ड्यूटी में चलाई जाएगी, इट इंक्लूड MOFPI मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्कीम्स सच एज फूड पार्क, फूड सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट ईयर द कैबिनेट हैज सेट अब सेटअप क्या किया, 7,522 करोड़ का स्पेशल फिशरीज और एक्वाटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फंड का मतलब क्या होता है, पैसा, है ना, कि 7,500 करोड़ का पैसा उसके अंदर सेटअप किया गया कि इस पैसे को फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट फॉर फिश प्रोडक्शन
and that is to achieve the target of 15 million ton. Ke production hamara 15 million ton ho jayega 2020 mein under blue resolution and raise it about 20 million ton kab tak 2022-23 tak iska production badha diya jayega. नेशनल फिशरीज पॉलिसी 2020 के अंदर जो आई है ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, बट हाँ जो नेशनल फिशरी पॉलिसी 2020 है उसको ध्यान रखना कि उसको उसने इंटीग्रेट कर दिया है. कौन सी पॉलिसी को? आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरी 2017 को. तो 2017 को रिप्लेस करते हुए नहीं जो हमारी नेशनल फिशरी पॉलिसी है वो कब आई? 2020 के अंदर आई. इसका टारगेट है ओवरऑल एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना. ऑब्जेक्टिव के लिए बोला गया, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू फुल्ली हार्नेस एंड कैप्चर द कल्चर फिशरीज, मतलब जो पालते हैं है ना, जो घरों के अंदर तालाबों के अंदर पाली जा सकती है वो कल्चर होती है. कल्चर फिशरीज पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय एनहांसिंग फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल मैनर. अ रोबस्ट मैनेजमेंट, रोबस्ट मतलब तगड़ा मैनेजमेंट होना चाहिए है ना, क्योंकि मछलियों का उत्पादन बढ़ाना है इतना सारा करना है तो एक रोबस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए. तो बोला अ रोबस्ट मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विद नेसेसरी लीगल बैकिंग फॉर इफेक्टिव फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट विल बी रिक्वायर्ड थ्रू एन इकोसिस्टम अप्रोच ऑफ फिशरीज मैनेजमेंट. तो नेशनल फिशरी पॉलिसी 2020 हम लेके आ गए. नेक्स्ट आ गया जी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो 2016 में आई थी, इसका नाम पहले संपदा ही था, बाद में इसका नाम किसान संपदा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया. कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चलाती है. और ये किस लिए लाई गई है? टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्री वेस्ट, है ना, कि प्रोसेस करो. और फूड को जब हम प्रोसेस करेंगे तो फूड की प्रोसेसिंग होने से क्या हो जाएगा? जो वेस्टेज है वो कम हो जाएंगे. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है 7 कंपोनेंट स्कीम. जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो आपका मेगा फूड पार्क है, जिसके बारे में आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है. उसके अलावा बाकी कंपोनेंट्स हैं, ये तो सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं. आगे चलता हूं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है जी आप लोगों के लिए है, कौन सी? एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, ACABC के नाम से आप सारे लोग जानते हैं. ये यंगस्टर्स के लिए है, इसीलिए आप देखिए पीछे आपको फोटो में भी यंगस्टर दिख रहे हैं. आप लोगों ने भी ऐसा ऐसा कभी ना कभी किया होगा, BSc AG के टाइम पे प्रैक्टिकल करने के लिए गए होंगे, साथ में फोन ले गए होंगे, है ना, फिर आपने बुलाया होगा अपनी क्लास में अपने क्लासमेट्स को, बोला आ जाओ एक फोटो खींच लेते हैं, इधर से हाथ में स्पेड थी उधर से फोन था, है ना, चल रहा था ऐसे ऐसे, फिर हमने स्टेटस अपलोड करा, फिर बोला वाह यार आजकल तो बड़े प्रैक्टिकल कर रहे हैं. तो तब तो नहीं किए, लेकिन अब कर सकते हैं, है ना. एज अ यंगस्टर, एज अ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको सपोर्ट कौन करता है? ACABC सपोर्ट करता है, है ना. क्या सपोर्ट करता है जी? ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2002 के अंदर. 20 लाख रुपए तक का आपको इसमें लोन मिल जाता है. अगर बहुत ही रेयर प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है तो 25 लाख तक मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली 20 लाख का मिलेगा. और अगर ग्रुप है आपका 5 लोगों का तो आपको 100,00,000-1,00,000 का लोन भी इसमें दिया जा सकता है, ठीक है. नेक्स्ट वाला सब्सिडी पैटर्न जो है वो रिवाइज हो गया है. कैपिटल एंड इंटरेस्ट सब्सिडी की जगह पे अब इसमें कंपोजिट सब्सिडी कर दी गई है. वो कितनी है? 44% की और 33% की. 44 सब्सिडी किसके लिए है? विमेन के लिए, लड़कियों के लिए है, SC ST के लिए है, और ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट से है. और 36% की सब्सिडी मिलेगी बाकी सारे स्टेट जो बच गए, पंजाब, हरियाणा, जनरल कैटेगरी सबके लिए 36%. विमेन, SC ST, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट के लिए कितना? 44%. ग्रुप में अगर आपको लोन लेना है तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है मेंबर्स की वो कितनी है? 5 मेंबर आपको रिक्वायर्ड है. टोल फ्री नंबर जो है किसके लिए? आपका स्कीम के बेनिफिट लेने के लिए 1556 है, सुबह के 9 से शाम के 5:30 बजे तक. पहला जो ACABC है वापी बुलसर डिस्ट्रिक्ट गुजरात, सुनील कुमार जी ने बनाया था. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट जो मैनेज के नाम से आप जानते हैं, वो क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एलिजिबल कैंडिडेट. जो ACABC में लोन लेते हैं तो उनको पहले ट्रेनिंग देता है. तो ट्रेनिंग नाबार्ड नहीं देता, लोन देना काम जो है वो नाबार्ड का है, लेकिन यहां वाला जो काम है वो मैनेजमेंट वाला, ट्रेनिंग वाला वो किसका है? वो मैनेज का है. इंक्लूजन ऑफ मुद्रा लोन, इसके अंदर मुद्रा लोन जो अभी आपको पढ़ा था शिशु किशोर और तरुण वाला, है ना, तो इंक्लूजन ऑफ मुद्रा लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया.
नेक्स्ट आ गया सैफ्रॉन रेवोल्यूशन 2014 के अंदर इसे लाया गया था। ऑब्जेक्टिव था कि सैफ्रॉन एनर्जी का कलर है, सैफ्रॉन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड मेनली रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, अदरवाइज दिस फोकस ऑन एनर्जी डेवलपमेंट। तो जो सैफ्रॉन रेवोल्यूशन है 2014 के अंदर आई और एनर्जी डेवलपमेंट पे क्या करती है, ये फोकस करती है एनर्जी डेवलपमेंट में भी, कौन से कंपोनेंट पे, सोलर एनर्जी पे सबसे ज्यादा फोकस ये करती है। आगे चलता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बोला गया टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल, सबके पास घर हो 2022 तक, द अर्थवाइज रूरल हाउसिंग स्कीम है ना, इससे पहले जो इंदिरा आवास योजना चल रही थी वो रिस्ट्रक्चर टू प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया अप्रैल 2016 में आके, उसको चेंज किया, बोला इंदिरा आवास योजना का चेंज कर दो उसको प्रधानमंत्री फसल प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। ये याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो काम कर रहे हो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट मतलब गांवों की बात है, एग्रीकल्चर का पार्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो डायरेक्टली मिनिस्ट्री का ही पार्ट है। इसका एम है कि सभी घरों को पक्का हाउस, पक्का घर बना के देना विद बेसिक अमेनिटीज टू ऑल रूरल फैमिली हु आर होमलेस और लिविंग इन द कच्चा और डिलपेटेड हाउस बाय एंड ऑफ मार्च 2022 है ना, कि भाई पक्का घर उनको देना 2022 तक। बेनिफिशियरी कौन है, सारे लोग जो एससी एसटी के हैं, फ्री बॉन्डेड लेबर जो है, या फिर नॉन एससी एसटी कैटेगरी विडोज, या फिर नेक्स्ट ऑफ किन, किन मतलब रिलेटिव हो गया ना, नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ डिफेंस पर्सन किल्ड इन द एक्शन, एक्स सर्विस मैन एंड रिटायर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेस, डिसेबल पर्सन एंड माइनॉरिटी, ये सब लोगों के लिए ये स्कीम अवेलेबल है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें वो अपना घर बना सकते हैं। बेनिफिशियरी का सिलेक्शन कैसे होगा, थ्रू अ थ्री स्टेज वैलिडेशन। वैलिडेशन तीन स्टेज में कौन सा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अंदर, ये पहला ही सेंसस था 2011 के अंदर जो ऑनलाइन किया गया था, इस सेंसस के थ्रू, फिर ग्राम सभा के थ्रू, और फिर जियो टैगिंग के थ्रू, तीन काम किए जाएंगे, फिर बेनिफिशियरी का सिलेक्शन हो जाएगा। कॉस्ट शेयरिंग की बात करेंगे, द कॉस्ट ऑफ द यूनिट असिस्टेंस इज शेयर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो सेंटर देगा कितना 60%, स्टेट इसमें देगा 40%, नॉर्थ ईस्टर्न वाले केस में सेंटर देगा 90% और स्टेट देगा 10%। लास्ट चलते हैं और खत्म करते हैं लेक्चर को, आप भी थक गए होंगे, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, बट ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो NARS का पार्ट है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, और कृषि विज्ञान केंद्र इज एन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर इन इंडिया। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र जो है रिसर्च ही तो करते हैं ना, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर है वो सारे के सारे। All KVK falls under the jurisdiction of one of the 11 agricultural technology application research institute, ये अटारी का नाम आपने सुना होगा, 11 जो है आपके उसका ये पार्ट है, कौन आपके KVK। As of December 2021, there are approximately 725 KVK throughout the India. एक छोटी सी बात और बोलूंगा, ये बहुत तगड़ा डिस्कशन चलता है हर ग्रुप के अंदर, जहां पे लोग इस बात पे कंफ्यूज है इस टाइम पे KVK कितने हैं, वो कह रहा है 725, अगला कह रहा है 726, वो कह रहा है नहीं, एक ईंट कल ही रख दिया है वो 727 हो गए, ये डिस्कशन मतलब का नहीं है। पेपर आपसे पूछेगा ना तो 720, 750, 700 इस तरह गैप देगा, तो 725, 27, 28 बेटर ही नहीं करता, बस 725 माइंड में लेके चलो। आगे वाला फर्स्ट केवीके 1974 में पौंडीचेरी के अंदर आया था। केवीके को 100% जो पैसा मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से मिलता है, और केवीके जो है वो किसके अंदर आते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, मतलब जो उसका ICAR के इंस्टीट्यूट है, या फिर ICAR के जो क्या है आपके यूनिवर्सिटीज है उनके अंडर में आपके जो केवीके है वो सारे के सारे आते हैं। यहाँ पे मेरा पार्ट ओवर होता है लेकिन सेशन ओवर नहीं होता। अब आप लोग जो लिख रहे थे ना, आप लोग लिख सकते हैं किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो प्लीज अब लिखिए, मैं अवेलेबल हूं और रिस्पॉन्सिबल हूं आपके सारे के सारे डाउट्स को आंसर करने के लिए। लिखिए क्या क्या डाउट है आपके। अक्षय जी ने कहा बहुत फास्ट हो रहा है, अक्षय जी ये वाली वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं आजकल है ना, 0.75 कर लीजिएगा, एकदम से आप स्लो स्पीड एक्सपीरियंस करेंगे है ना, तो जो आपको फास्ट लग रहा है वो स्लो हो जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस मैसेजेस का फ्लो थोड़ा थोड़ा यार स्लो रखे, इतना फास्ट गुस्सा मत हो जाए यार, आप तो एकदम से ही इतने सारे कर दे पढ़ नहीं पाऊंगा ना, तो आराम से लिखते जाए, मैं भी आराम से पढ़ता जाऊंगा। किसी ने रायतु बंधु की बात करी है, सर सेंटर का एग्जाम है, रायतु बंधु स्टेट की स्कीम है, स्टेट की स्कीम के बारे में सेंटर आपसे नहीं पूछेगा।
झारखंड और तेलंगाना क्यों आउट हो गया है? बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से झारखंड और तेलंगाना नहीं, बहुत सारे और स्टेट भी आउट हुए हैं। पंजाब तो कोई माना ही नहीं था उस स्कीम के लिए। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए बिकॉज जो एक्चुअल प्रीमियम रेट होती है, समझने के लिए सीधा मोटा मोटा समझ लीजिए कि आपका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम देना पड़ता है ना, वो एग्जैक्ट प्रीमियम नहीं होता, थोड़ा कम ज्यादा होता है। तो मान लो आपने 100 रुपए दिए, लेकिन आपको 100 नहीं 120 देने थे। कंपनी ने बाद में बोला कि इसके तो 120 बनते हैं, तो आपसे 20 रुपए नहीं लिए जाएंगे, उस 20 रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाएगी, जिसमें सेंटर और स्टेट का 50-50% का शेयर होगा। स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं कि हमें शेयर नहीं करना है, हमें पैसा नहीं देना है। और एग्रीकल्चर जो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी मना कर सकती है स्कीम के लिए, तो इसीलिए स्टेट जो है इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं, मना कर देते हैं। अभिषेक जी ने कहा कि BSEAG का नोट्स ऐप पर कब अपलोड होगा? अभिषेक जी, एक साल पहले जब इस ऐप को बनाया था, प्रायोरिटी तो हमारी यही थी कि BSEAG को भी नोट्स देंगे, लेकिन उस प्रायोरिटी लिस्ट में आप सबसे पीछे इसीलिए हैं क्योंकि BSEAG के नाम पे जो कॉलेज है ना, वो बंद ही पड़े हैं, लेकिन बाकी सब बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं। तो जिसका एग्जाम अब 30 तारीख को है, जिसका एग्जाम उसके बाद मार्च अप्रैल में, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद सर BSEAG का अगर हमने कॉलम बनाया तो नोट्स भी डेफिनेटली देंगे। इन केसेस स्कीम लाइव स्टॉक डेयरी फार्मर्स एंड फिश फार्मर्स आफ्टर 2% रिबेट हाउ मच इंटरेस्ट रेट हैव टू पे? 5 और 7? इट्स 7% सर, वो 9% के ऊपर 2% है, तो 7% उन्हें देना पड़ेगा। और वो जो एडिशनल सबवेंशन है 2 लाख पे, वो 3% वाली कंडीशन एप्लीकेबल है, 3% एडिशनल मिलेगा। क्रॉप वाले केस में 3 लाख तक पे, लेकिन एनिमल वाले केस में 2 लाख तक पे मिलेगा। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा जानते नहीं है। आत्मा सर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। प्रदीप जी, नेक्स्ट नवीन जी ने क्या, नवीन जी मैसेज ऊपर चला गया, सॉरी यार दोबारा लिख देना अगर मैं आंसर नहीं करूं तो। किस राज्य में सबसे अधिक CHC सेंटर है? सर कुछ ऐसा के सेंटर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट उड़ीसा के अंदर है, लेकिन पंजाब के अंदर हो सकते हैं, बिकॉज आपने एक फोटो देखी है, वो फोटो मैंने भी देखी है, लेकिन उस फोटो के लिए रिपोर्ट मुझे नहीं मिल रही है। तो अभी के लिए मैं मेरी साइड से उड़ीसा लेके चल रहा हूं, बट आंसर कैन बी पंजाब ऑल्सो, क्योंकि वो जो एक फोटो है, या तो पूरी रिपोर्ट मिल जाए तो मान सकते हैं, गूगल पे सीधी सीधी फोटो जो मिल जाती है उन पे विश्वास नहीं किया जाता। तो पूरी रिपोर्ट मुझे मिली नहीं है, लेकिन मैं लास्ट मिनट्स के अंदर इसे डेफिनेटली ऐड करूंगा। मधुरिमा ने लिखा योर टीचिंग, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। AFO का रिजल्ट कब तक आएगा? सोनू मीना जी कह रहे हैं, मैंने इस बार पेपर नहीं दिया ना AFO का यार, तो अपने को टेंशन नहीं है कब आएगा, है ना। और जिनको सिलेक्शन लेना है फाइनल में, वो लोग प्री के रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे, तो प्री का रिजल्ट मुझे नहीं पता सर कब आएगा। हिंदी मीडियम बैच स्टार्ट करें? सर आप मुझे एक बात बताइए, अविनाश कुमार आपका नाम है, पहले तो आप हिंदी बोलना शुरू करिए सर। आप मैसेज के अंदर हिंदी और मीडियम लिख रहे हैं, पहली बात तो मीडियम नहीं होता, उसे माध्यम बोला जाता है। दूसरा बैच नहीं होता सर, उसको अलो बोला जाता है। स्टार्ट नहीं होता सर, वो शुरू होता है। और चौथी बात सर, आपने पूरा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा है, हिंदी के अंदर सही भाषा के अंदर लिखिए, तब मैं विचार करता हूं कि क्या हिंदी माध्यम के बैच की जरूरत है, नहीं तो ये हिंदी में ही चल रहा है सर। KCC में एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड किया है तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड की क्या जरूरत थी? हाँ ये बात तो है ना, बिल्कुल आपने ठीक बोला। बहुत सारी स्कीम ऐसे हैं सर, है ना, कि वो ओवर एंड ओवर की जा रही हैं आगे आगे और इम्प्लीमेंट होती जा रही हैं, बट सेंस तो उनका कुछ भी नहीं है। अब क्यों नहीं है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ तो एनिमल हस्बेंड्री, वो जो KCC है, तो उसको एक ये बोले कि सेपरेशन देने के लिए सिस्टम में ज़्यादा एफिशिएंसी। जैसे मान लो कि मुझे अगर स्कीम और फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाना ही था, तो फिर ऐसे क्यों बोला कि आज फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाएंगे, स्कीम पढ़ाएंगे, सीधा बोलते कि एक ही लेक्चर में करवा देते। बट ये भी हो सकता है ना कि मैं सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंसी देने के लिए फॉरेस्ट रिपोर्ट अलग से पढ़ा दूं, बाकी लेक्चर अलग से पढ़ा दूं, तो एफिशिएंसी के लिए किया जा सकता है। बाकी सर सरकारें हैं, पॉलिसी है, हमें तो पॉलिसी याद करनी पड़ेगी, बाकी ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। फिर बोला मुझे AFO, सर स्टेट की स्कीम AFO को आती है क्या? नहीं आती है। PMEY में सावन का डेटा लिया जाता है, हर्ष राज्य बिल्कुल 7 साल का डेटा लिया जाता है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एंड KCC में डिफरेंस, KCC के थ्रू तो लोन मिलता है, लेकिन लोन पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसमें छूट आपको मिलती है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के थ्रू। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, यस है ना, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, डाउट भी था ये सब लोगों का। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है इट विल बी 152% सर, 143 अगर ऑप्शन में बोलेगा और 152 नहीं बोलेगा तो 143 को मान लेना, बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे एज वेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों इस टाइम पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी 152% बोल रहे हैं।
सर एडीए के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है? तो एडीए के लिए एडीए एग्जाम देना होता है यार। आईसीआर आईआर कोर्स आपके प्लेटफॉर्म अवेलेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वो उसमें टेक्निकल पार्ट तो है ही नहीं, एग्रीकल्चर नहीं है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। तो कुछ ऐसा है कि पता नहीं मैं गलत हूँ, मैं तो कह देता हूँ आप लोगों को ना कि हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे विचार है, मैं ना बच्चों को यार छोटे सपने दिखाता नहीं हूँ, मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ बड़े सपने देखो यार। मुझे ऐसा लगा कि आईआरआई वाला सपना थोड़ा छोटा है, तो मैंने उस पर फोकस ही नहीं किया। यूट्यूब पे लोग कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे लोगों को व्यूज़ मिल जाते हैं। मैं व्यूज़ तो ले लेता हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ से व्यूज़ नहीं लेता, मैं अच्छी चीज़ों से लेता हूँ, मैं वो कचरा चीज़ें नहीं डालना चाहता। तो मैं नहीं चाहता यार मेरा बच्चा जो ऑनर्स की डिग्री लेके बैठा है वो वही जॉब करे जो 10वीं पास करेगा। तो अगर 10वीं पास वाली जॉब करनी थी फिर बीएससी क्यों किया? समझने वाली बात है सर, मैंने तो समझा, मुझे लगा कि नहीं करवानी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊपर चला गया है तो कोई बुरी बात भी नहीं है। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन सर करंट अफेयर्स बुक चेक करें, वहां पे दिया गया है। मुझे एएफओ प्री ऑल एग्री एग्जाम के लिए न्यू बैच लेना है, कब स्टार्ट होगा? सर 14 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा। ये स्पेशल डेट हमने इसलिए रखी है कि जिनकी लाइफ में सपने होंगे तो वो अपना सपना पूरा करने के लिए या तो 14 फरवरी को उससे मिल रहे होंगे या फिर हमसे मिल रहे होंगे, जिसके जैसे सपने होंगे। तो 14 फरवरी से हम नया बैच स्टार्ट करेंगे हमारा एएफओ का। मतलब बिहार बीएओ एग्जाम कब होगा? अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया एग्जाम का, कैसे बोले? ये बातें मेरे से मत पूछा करो, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ यार, मुझे एस्ट्रोलॉजी कोई पसंद ही नहीं थी। भविष्यवाणी वाली बातें मत पूछो, प्रैक्टिकल डाउट पूछो बताऊंगा। आवाज अच्छे से नहीं आ रही, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सर? आपका ईयरफोन जो फोन है वो अच्छे से आपको आउटपुट नहीं दे रहा, थोड़ा सा उसे भी चेक कर लीजिए। एग्मा किस लेवल पर काम करता है? सर नेशनल लेवल पर काम करता है। इस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी? डेफिनेटली सर मिलेगी, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। फिर बोला सब्सिडी पर लेक्चर प्लीज, डेफिनेटली सर अगला लेक्चर सब्सिडीज पे दे देंगे, है ना। करंट अफेयर्स हो गया पूरा, स्कीम हो गई पूरी, अगला सब्सिडीज पे दे देंगे, चिंता मत करें, बस 2 दिन का टाइम दे दीजिए। फिर बोला सब्सिडीज पर लेक्चर, ओके। श्रीमान कृपया हिंदी माध्यम में कक्षाएं शुरू कीजिए, हाँ अब सही लिखा आपने, वेरी गुड। अब मैं आपको बता दूं, 21 फरवरी से हम एक हमारा नया बैच शुरू करने वाले हैं, और वो जो हमारा बैच है वो पूर्णतः हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ही है। जैसा कि मैंने अभी अभी व्याख्यान के दौरान बताया कि एक हमारा बैच 14 फरवरी से है, लेकिन वो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए है, हिंदी माध्यम के छात्र के लिए जो अलग से है वो 21 फरवरी को चलाया जा रहा है। तो आप हमसे अपने दूरभाष नंबर का प्रयोग करते हुए संपर्क कर सकते हैं उस बैच की अधिक जानकारी लेने के लिए, ठीक है। आगे चलता हूं। कंफ्यूजन वैरायटी एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर की क्लास, ना ना ये आकाश सर को बोलूंगा, उनका काम मुझे ऐसा लग रहा है उनका काम ही उनको ज्यादा शोभा देता है, मुझे उतनी नहीं देता है, तो बोलूंगा उनको, करेंगे कंसीडर तो कर लेंगे वो। सर सॉरी मैं एमएससी कोर्स का पूछ रहा हूं, बट एमएससी इंट्रांस में करंट अफेयर्स आता है। पहली बात तो इंट्रांस नहीं एंट्रेंस होता है, स्पेलिंग गलत है। दूसरी बात उसमें करंट अफेयर्स नहीं आते। 14 फरवरी से जो एफओ ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा उसमें कब से एडमिशन ले सकते हैं? गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है क्या? गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारी हेल्पलाइन पे। अब तो नहीं, टाइम हो गया, चले गए होंगे लोग, कल सुबह 9 बजे के बाद फोन कीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ज्योग्राफी का लेक्चर ले लो, मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, पुरानी वीडियोज देखिए, ज्योग्राफी का लेक्चर वहाँ पड़ा हुआ है। सर जी थैंक यू सो मच, उसके लिए क्या करना होगा? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए किसी प्रकार की और जानकारी के लिए। सॉरी मैं एमएससी कोर्स मैंने बता दिया आपको, थैंक यू वेरी मच, वेरी वैल्यूएबल क्लास, थैंक यू सो मच जी सी सिंह जी, आपके कॉम्प्लीमेंट्स हमें अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं दोबारा से फिर से क्लास लेने के लिए। 100% प्योर हिंदी, हिंदी तो फिर आपको पता ही है, हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। एग्मा किस लेवल पर मैंने बता दिया है सर। प्री फाउंडेशन बैच कब आएगा? फरवरी के अंदर आएगा ये भी। नाबार्ड नॉर्म्स ज्योग्राफी, ओके ठीक है। इतनी स्कीम सफिशिएंट होंगी क्या एएफओ के लिए? सर प्लीज करंट अफेयर्स की बुक में से पढ़ लेना, कुछ कुछ वो स्कीम है जो बहुत बड़ी नहीं थी तो मैंने क्लास में तो नहीं पढ़ाई, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी तो उनको पढ़ लीजिएगा। 14 फरवरी एएफओ ये मैंने बता दिया है। फिर बोला सर मैं 11th कृषि विज्ञान से कर रहा हूँ आपकी क्लास, मुझे बेनिफिट मिल रहा है। विवेक यादव जी आप इंस्पिरेशन होते हैं स्पेशली मेरे लिए। एक लड़की ने पहले कमेंट किया था, मुझे आज भी याद है, नाम भूल गया हूं उसका, लेकिन वो 12th क्लास में थी और आप 11th क्लास में होगी इस क्लास को देखकर। आपको पता है कितने सारे हमारे
मेघावी छात्र है ना, वो बीएससी भी कर चुके हैं और पेपर भी देंगे इस बार 30 तारीख को, और वो भी क्लास नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे, है ना। उनको समझना चाहिए कि 11वीं वाले बच्चे अभी से क्लासेस देखना शुरू कर चुके हैं, तो सोचिए आने वाले टाइम में ये लोग कॉम्पिटिशन कितना बढ़ा देंगे। एंड थैंक यू सो मच विवेक जी अपने बारे में बताने के लिए, अच्छा लगता है यार कि छोटे बच्चों के अंदर, आप बड़े हैं तो 11th क्लास में, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली लोगों से छोटे हैं, लेकिन अवेयरनेस का लेवल बहुत आगे है आपका। हरियाणा में एडीओ वैकेंसी कैंसिल हो गई है, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ गया है, और आपका नाम सुमन कुमार है, और आप ही ने पिछली बार क्वेश्चन किया था, और आप ही के लिए मैंने उत्तर किया था कि हाँ भाई साहब, मैंने ये भी कहा था कि पैसा विड्रॉ करने का मतलब पैसा निकाल लेना, तो डिपार्टमेंट ने वैकेंसी विड्रॉ कर ली है। सुमन जी पिछली बार आपका क्वेश्चन था ये, 12th में मैं भी हूँ सर, क्या बात है यार, है ना विवेक जी। अब 11वीं 12वीं क्लास का बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, मुझसे सोच के देखिए भाई साहब लेवल कहाँ चला गया एग्रीकल्चर का, ग्रेट आप लोग यार। सर 11th कृषि विज्ञान से, ठीक है विवेक जी ओके। क्रॉप रोटेशन क्या होता है ये फिर कभी, आज करंट अफेयर्स क्लास में नहीं बता सकता, फिर कभी बता देंगे। AFO के लिए सर बुक हिंदी माध्यम में कैसे प्राप्त करें, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। कानपुर वाला सेंटर ओपन होगा कि नहीं, फिलहाल तो जो ओपन है वो भी क्लोज है कोरोना के कारण, जब होंगे तो सब हो जाएंगे। रिकॉर्डेड मैराथन क्लास कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे हुआ है तो यूट्यूब पे ही मिलेगा ये वाला। करंट अफेयर्स का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, क्लास को पूरा सुनिए पता चल जाएगा। केशव जी कहते हैं मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, ठीक है सर। फिर बोला सर, ओ यार मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं भाई, चलते जा रहे हैं। राजस्थान WO के लिए सेशन, WO की वैकेंसी आने दो यार, वो 21 पोस्ट के लिए, मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, रियली सॉरी। हमारा 9 से 11 का बैच चल रहा है सर, आप उसमें क्लासेस ले सकते हैं, अलग से YouTube पे नहीं दे सकता। फार्म बिल से क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबली फार्म बिल से तो नहीं आएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी मैटर है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम नहीं पूछना चाहेगा। धर्मवीर जी थैंक यू सो मच ऐसा लिखने के लिए। सुल्तानपुर में आपकी कोचिंग चलती है क्या, यस ऑफ कोर्स चलती है सर। ठीक है ओके, ओवर करते हैं हमारे आज के सेशन को। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करता हूं कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट्स थे वो मैंने सारे बता दिए हैं, लेकिन मैसेज का फ्लो तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे दायरे में नहीं आती हैं, मेरे हेल्पलाइन नंबर जो है वहां पे आप कॉल कर लीजिए, ये वो बातें अच्छे से बता सकते हैं। हमारे कोर्स से जुड़ी हुई, हमारे कंटेंट से, हमारी ऐप से, या किसी और प्रकार की समस्या के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए 9 से शाम के 6 बजे तक। बाकी जो क्लासेस के डाउट होते हैं वो मेरे से पूछिए। अब भी कुछ डाउट क्लास से रिलेटेड रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगली बार आके आंसर कर दूंगा। जैसे अब मैंने बताया आपको कि हाईएस्ट कोस्ट लाइन बोलेगा तो अंडमान निकोबार यूटी और गुजरात स्टेट की है, 152% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। एक दो और भी डाउट थे वो मैंने कल के टेस्ट में भी डाल दिए थे, है ना। तो अब नेक्स्ट मिलेंगे सब्सिडीज या फिर नाबार्ड नॉर्म्स के लेक्चर के साथ, वो आपसे पोल पे पूछ लूंगा टेलीग्राम में पोल डाल के कि कौन सा लेक्चर आप अब लेना चाहेंगे, वो नाबार्ड नॉर्म्स का होना चाहिए या फिर सब्सिडी वाला। बट मेक श्योर कि प्लीज पढ़ते रहिए, रिजल्ट का किसी भी चीज का वेट मत कीजिए, बिकॉज रिस्क लाइफ में लेना चाहिए, है ना। क्यों लेना चाहिए, रिस्क लेंगे जो जीत जाएंगे, रिस्क लेंगे तो जीत जाएंगे, और ना जीते तो सीख जाएंगे, लेकिन फायदा ही होगा। तो रिस्क लीजिए और पढ़ाई कीजिए। सर मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।